एक मिनट, सेकंड वाला क्या था? भर दो झोली मेरी। अरे वो बजरंग बाजा। अच्छा ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। माता पिता तुम ही सब हो। अरे नहीं, साई बाबा मेरे साई बाबा, ये यही है वो था ना, मुझे माफ करना वो साई राम। ये हमारे अर्णव की घर अर्णव के लिए बना था वो गाना भी, इसलिए बना है तुमसे मिलने को दिल करता है साई बाबा तुमसे मिलने को दिल कर। लेकिन मेरे को तो बेस्ट सॉन्ग लगता है सलमान खान एक मूवी है जिसमें he had electric guitar is on stage and he's singing ओ जाने जाना। नहीं 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 वो नहीं यार, there's a song वो है ना उसमें, ये तो सच है कि भगवान है। अरे हम साथ साथ हैं, उसमें वो था गिटार लेके खड़ा था, दिस कोई मूवी तो है यार। नहीं सो गिटार लेके खड़ा था वो, ओ जाने जाना में वैसे इज अ, वो तो है ही एक बहुत वैसे टाना टाना टांग टांग पार्टी वाला सीन है और उसमें ही स्टैंडिंग लाइक दिस। हां यही जो मैं ट्यून गा रहा हूं उसी का है, टाना टाना टांग 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 टांग। पार्टी में भगवान लाइक बैंड डालने का लॉजिक में, अरे नहीं सीरियसली भगवान का नहीं, ये वाला है वो, ये तो सच है कि भगवान है। एक बार पार्टी में गिटार लेके, मैं मां का संग कर, आई विल शो यू जरूरत है जैसे। और उसमें भी भाई ने केबल नहीं लगाया यार, वो गाना पूरा मतलब उसमें गिटार भी यूज नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, फिर भी उसका इलेक्ट्रिक, ये तो आशिक इलेक्ट्रिक गिटार पे भगवान का कैसे गाना मेरे को सुनना है। धुरंधर लोग बैठे हैं, बताओ मतलब स्लो सॉन्ग है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक गिटार कहां से काम आ रहा है। अरे यार कोई तो गाना था, मैं सही में इसको फूंक मार मार के पी रहा हूँ पता है। अरे यार, अच्छा तो फॉर द पीपल हु आर हियरिंग अस, वी ड्रिंकिंग कोका कोला बट बॉन्ग चाय का कप क्या है और उसको ब्लैक टी समझ के बार बार फूंक फूंक कर रहे हैं, तेरा लॉजिक क्या है, तू चूज क्यों किया? जस्ट एक्सेंट्रिक मैन, आई फेल्ट एक्सेंट्रिक टुडे, I wanted to it's O Jaane Jaana only where he's playing electric guitar. अरे यार नहीं यार, there's a film I specifically remember, उसमें तीन लोग खड़े हैं स्टेज पे। हाँ हाँ, it's O, so there's a हम साथ साथ हैं जो है। I found it people, so हम साथ साथ हैं, मैं जो you talking about this, हाँ yes yes, साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, उसमें ना पूरा एकदम पूरा family production वाला dance होता है कि वो उसके dad के लिए और माँ के लिए गाना गा रहे हैं, उनकी anniversary होती है इसके लिए। हाँ so पूरा family, उसका first line ही है ये तो सच है कि भगवान, that गाना ही वो है। उसमें एक और गाना है कि क्या था वो मूवी 10 बार देखी तू पता हम। अरे नहीं वो गाना था ना, मतलब पूरा फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है उसमें बहुत। अरे अरे नहीं वो बिकॉज वो होता है कि उसकी शादी हो जाती है मनीष बहल की, मनीष बहल की शादी होती है, तो दे आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल द फैमिली कैरेक्टर्स, बहुत जोरदार था वो। अरे पर क्या मतलब, अरे कुछ भी लाइन मार रहा है उसमें, कुछ भी चल रहा है लाइन बहुत सही है। 4 लाइन सुनाता हूँ, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। हाँ तो कौन अनजान है, भगवान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। मैं क्या बोला मैं क्या बोला इसने मैं अगरबत्ती लगाई है, थोड़ी देर बाद देखना अगरबत्ती बुझ जाएगी, धुएं किसी और के निकल रहे होंगे। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, सुना देख ऐसे भगवान के मंदिर में तुम ऐसी गलत गलत बातें, तुम मॉस कोड में तो और बात की मैं कब फोड़ देंगे मैं जो नहीं 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 वो कुछ नहीं, वो डीमर्ट से लेके आएंगे ना पूरा नया सेट फिर। हां मैं स्पॉन्सर करूंगा एंड डी विल पे फिर तो नहीं, एक सेकंड पे तो ये कर रहे हैं तू जिसने किया था, नहीं नहीं वो बात अलग है कि मैं देख लेके हम आएंगे और अपना पे करेगा। ठीक है ले आओ ले आओ, बन जाएगा भाई उसको लेके जाएंगे। अरे तो मैं जो स्टोरी सुना रहा था ना वो वाली कि मैं रुक गया था बीच में, तो आजकल ये हो रहा है मेरे साथ कि जब भी मैं ये रूट लेता हूँ यहाँ से टू गो टू कोथरूड, आई डोंट नो व्हाई बट ओनली मतलब बाकी लोग भी देखते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ और आई सी कपल्स गोइंग ऑन बाइक या फिर
स्कूटी, और पीछे जो भी बैठती है ना मोहतरमा, तो वो पहनती है सूट, अपना कुर्ता और क्या बोलते उसको, क्या बोलेंगे, सलवार कमीज, सलवार कमीज। तो लॉट ऑफ केसेस में या तो उनका दुपट्टा पूरा नीचे, पूरा नीचे कि लिटरली टायर के पास, या तो कभी उनका ये जो पीछे का ये होता है ना ऊपर कुर्ती उसका पार्ट पीछे नीचे झूल रहा है। मोस्टली जो लोग बैठते हैं जिनको दिमाग रहता है कि भाई ये फंस सकता है, तो वो प्रॉपरली उसको नीचे करके तो ऊपर कैसे बैठ जाएंगे आराम से। क्योंकि मुझे इस रूट पे चार लोग ऐसे मिल चुके हैं अभी तक। एक दिन रात में एक आंटी दिखी थी, वो उनका तो दुपट्टा ऐसे मस्त लहरा रहा नीचे। तो ये वो रोड कम गंगाधम चौक जो है उससे वी टेक अ टर्न, देन आगे आगे हमें एक सिग्नल लगता है, सिग्नल के बाद जो हमें एक और सिग्नल लगता है ना ऊपर चढ़ के, देन वी टेक द अंडरपास, वो एरिया का नाम क्या है, सातारा रोड। हाँ, तो वो जो वो सिग्नल पे है ना, तो शी वो लोग ऊपर से गए, मैं देख रहा था, तो मैं एक बार हॉर्न मारा लेकिन उन्होंने पीछे देखा नहीं। चलो अब लक है, आगे आगे मर गए तो फिर ये ऊपर योर बाय और योर मिस्टेक। लेकिन जब मैं नीचे से निकला ना तो आई सॉ हर अगेन, और नाउ इज द मोमेंट टू बिकम अ हीरो। मैं मारा हॉर्न। आंटी ने पहले पता क्या किया, आंटी ऐसे 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 बैठी है, बोथ द लेग्स ऑन दिस, डिस्क्राइब कर पाए उनको समझ नहीं आएगा, शी इज ऐसे लग रही है, ऐसे जा रही है आंटी, जैसे हॉर्न मारा पी पी पी, आंटी आंटी अपने राइट में देखी, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट में, वो आंटी की राइट से देखी, कौन है कौन है कौन है, फिर मैं दो राउंड मारता हूँ, अच्छा तुम हो क्या, हाँ क्या, अरे तुम्हारा दुपट्टा और क्या, थोड़ी देर फांसी लग जाएगी तुमको राह चलते हुए। फिर आंटी ने तुरंत उसको ऊपर किया, लेकिन मैं कभी आफ्टर रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं स्पीड अप करके निकल जाता हूँ। बाई चांस मैंने गलती से बोल दिया वो था ही नहीं वहाँ पर, तो फिर आंटी गाली भी देगी ना, तो तू झूठ बोल रहा है। अब आज ही हम लोग जब आ रहे थे और बॉम, तो वो वाला रोड कौन सा है, वो जो ब्रिज है ना जिसके अंडर से फिर अपन इधर लेते हैं, स्वारगेट, वुमन नोज, स्वारगेट में ट्रिप्स ही जा रहे हैं वो लोग। रहेगा ना 10-15 साल पुणे में, तेरे को ही मालूम होगा भाई, तुझे तो मैं तुझे ना ये आई कम बैक टू दिस थिंग, वुमन डजंट नो इवन आफ्टर लिविंग पिज्जे दो गली छोड़ के नहीं हो, but that is a okay wait okay दो गली छोड़ के नहीं, रोज़ रोज़ 5-6 किलोमीटर दो गली छोड़ के नहीं। अरे I will raise the motion again, तू बोल, अरे नहीं नहीं तू complete, you complete the story, दो मिनट बाकी, दो मिनट complete the story। तो वो जा रहे हैं ट्रिपल, बीच में लड़की बैठी हुई, आखिरी में आंटी बैठी हुई, और आगे अंकल गाड़ी चला रहे हैं, मैं हॉर्न दिए जा रहा हूँ, भाई तुम अपना ऊपर का दुपट्टा वो फंस जाएगा टायर में, अभी थोड़ा और हवा चली तेज से, ना अंकल इधर हो रहे हैं ना अंकल, सीधे सामने गाड़ी के मेरे, बिल्कुल जब टर्न में ले गया ना तो अंकल बोला और हॉर्न मार रहा था, अंकल बोला अरे, तो अंकल क्या करते हैं, अंकल साइड में लेकर स्लो करता है, जा ना, मैं बोला अरे वो नहीं, वो उसको ऊपर लो तू, तो आंटी ओ शिट, आंटी ऐसे करके गाड़ी में ही चलते थे ऊपर ले, वो गाड़ी में तीन जन बैठे थे, ऐसे नहीं दो जन, तीन जन बैठे थे गाड़ी में, जगह भी नहीं फिर भी। हां तो कमिंग बैक टू दिस, कमिंग बैक टू द जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी ऑफ खुशी दवे, हां अच्छा मतलब इसको बॉम्ब बोलो पर मेरा नाम पूरा डिस्क्लोज करो तुम लोग, हां भाई खुशी दवे, बिकॉज़ वर्ल्ड शुड नो अबाउट यू, हां देन इवन दे शुड नो अबाउट नो मोहम्मद अर्नब पटेल खंडेलवाल, हां तो वो भी रियल नेम नहीं है, लगा ले बॉम्ब इज सेक्युलर, हां बॉम्ब बिलीव्स इन आवर रिलीजन एंड बॉम्ब डजंट, सब लोग बॉम्ब फूंकते हैं, एवरीवन ब्लोस बॉम्ब, या एवरीवन ब्लोस बॉम्ब मैन, इट्स Just. For any person staying in Pune, तो अगर उनको पूछेगा ना किधर, हाँ इधर ही है, ओके okay? वो आदत हो गई बचपन से, किधर जाना है, चार कैंप ना, अरे एक गली छोड़ के, तो वो यही है कि पीछे ही है। So, ऐसे तो तू किसी को बोलेगी कि यार वेकेशन पे जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, मैं घूमने जा रहा हूँ मालदीव्स, मालदीव्स क्या बोलते हैं, मालदीव्स, मालदीव्स मालदीव से मुझे नहीं तो है मेरे बारे में तूने बोला ना, तो वही है मॉल्डीव्स, यस द मोशन इज मॉल्डीव्स राइट नाउ, द मोशन सब छोड़ हमारे यहां पे है ना, अभी जो अभी इतने देर से स्टोरी सुना रहे थे, मॉल्डीव्स इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, वी नो दैट, एक सेकंड, यू गॉट टू नो दैट फ्यू मंथ्स बैक, एक मिनट एक मिनट, सो और वीक्स बैक, ऑफ द रिकॉर्ड वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक नेम्स हियर, आई डोंट नो, नो वी विल, अब ठीक है, वी आर टेकिंग नेम्स, इट डजंट मैटर, नहीं बॉम्ब तो बोला, वो तो ऐसे भी डिस्क्लोज है, खुशी दवे बोल दिया तो अभी अपन बीप डाल देंगे, हां ठीक है बीप डाल, बट इस इंसान को इतने दिन तक लग रहा था कि मॉल्डीव्स इज पार्ट ऑफ इंडिया, इन माय डिफेंस वो नीचे ही है
नीचे से थोड़ा नीचे से श्रीलंका भी है। हाँ अरे श्रीलंका सन में आता ना अपना, नहीं ना इंडिया था ना वो, क्या बात। अरे वो भाई रामायण नहीं पढ़ी क्या बात कर रहा है, राम राम से तू आज भी दिखता है उसमें, है नहीं लेकिन दिखता था उसमें, प्रिंट करते पकाए थे राम से तू है। पॉइंट बीइंग लड़ी लिखती है, रुकना चुप रहेगा दो मिनट। पॉइंट बीइंग मुझे मालदीव्स का लगता था कि इंडिया में है, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड जो थे वो तो है इंडिया में, ये भी होगा। अरे सिंगल एंटिटी क्यों होगा ये भाई, तू समुद्र में अकेला है, कहीं ना कहीं तो बड़ी कंट्री बोले तू आ जा, आई एम विथ यू, ऐसा कुछ होगा, इसलिए आई थॉट आई वाज अ फूल। कुछ नहीं भाई, मैं लायन को लॉइन लॉइन, मैं वही बोलने वाला था, ये लायन को लॉइन जो बोल सकता है वो ऐसा ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लाइन को लॉइन बोलता था सही में भाई, मैं सोच रहा क्या आदमी क्या। अरे माँ का एक बार हम लोग कॉलेज में तीन, he supposed to be a fucking writer, yeah लाइन को लॉइन बोलता है, that's the reason he writes, yeah that's why I write, his burn ही तो किसी भी दिया कभी लिख रहा है, there was a lion who attacked me, there are burning lions, spelling में सही लिखता वो तो पता है, pronunciation is the point, that's what if you're reading something to someone they were confusion था भाई, three loins were running at problem ये था कि उस time पे loin का मतलब पता नहीं था, this is some problem way back 7-8-9 years old, पता भी होगा लेकिन line का मतलब पता था, loin में सब क्यों आ रहा है दिमाग में। ठीक है, actually you're not the first one, I've heard someone else say loin before lion but so I guess it is bongs issue, bongs जिसके आजू बाजू होता है वो सब loin बोलते हैं। well क्या I am a sex symbol sir। भाई तो सुन, clean shave करके sex symbol नहीं होता आदमी, काहे पहचानता नहीं तू, rocking rocking star यश को देख, इतनी बड़ी beard है भाई, इतने बड़े बाल है, still is not तो ये तो देख, तू वो भी तो देख, तू मेरे को उसके बाल क्यों दिखा रहा है। But he might be a sex symbol in the state where he works as a film star. Yeah, but they... कोई बात नहीं. Okay. In your defense, you could just name Zayn Malik. What is a sex symbol? something which represents sex. Basic. Stick to basics. So what if... Middle finger दिखाएगा किसी को तो काट देगा. नहीं पर दूसरा और जो है वो मत दिखा था वो भी काट देगा, यू कांट जस्ट बी पुलिंग आउट योर डिक इन द स्ट्रीट्स मैन, या ऐसे ऐसे नहीं तो तुझे यरवड़ा में हम लोग को छोड़ के आना पड़ेगा, ये देखो एंडी मेट्रो मैक्स कल गाड़ी ठीक करा कि इसको यरवड़ा छोड़ के आते हैं मेंटल जेल की पागलखाना पागलखाना। अरे गाइस पुणे मेट्रो, और वहां पुणे मेट्रो चालू हो गई, हां 10 रुपए की टिकट, लेकिन कहां से चालू हुई अभी, अरे अरे नहीं ये स्टार्ट्स फ्रॉम गरवारे आनंद नगर नल स्टॉप और एक कोई तो स्टॉप है, फाइव स्टॉप से इतना पता है तो यही अपना अपना ही रूट है, बस वही रूट बस चालू है क्योंकि वही कंस्ट्रक्ट हुआ है। गरवारे तो अपन ने देखा था कॉलेज के वहां पे स्टॉप है, वो गरवारे कॉलेज स्टॉप है, इसलिए उन्होंने इतना रास्ता सिर्फ बंद किया था कि मिस्टर मोदी अगर आए हां तो ही वुडंट गो टू स्वर्ग गेट, नहीं तो स्वर्ग में इतना बड़ा गड्ढा था, क्या कर रहे तुम लोग, तुमसे एक मेट्रो कंस्ट्रक्ट नहीं होती, उन लोगों तो ठीक है MIT में ही गेव स्पीच तो सबके जितने भी ब्लैक कपड़े पहने थे उनको घर भेजा, जितने भी ब्लैक मास्क थे सबके मास्क गेट पे छोड़ दिए, हाँ गेट पे फेंके लिटरली, अरे हाँ सर्जिकल मास्क दिया ब्लैक ब्लैक द कलर प्रोटेस्ट सर्जिकल मास्क दिया, हाँ क्योंकि ये तो किया इन लोग ने, और फिर ये क्या क्या बोल रही थी मैं यार, ये तेरा सर्जिकल मास्क नहीं यार मुझे भुला दिया यार, चलो अच्छा तो आज, अरे ऊपर से अभी बीड़े पुल भी तोड़ देंगे क्योंकि आज उन्होंने वो भी इनॉग्रेट कर दिया ना नदी पात्र का क्लीनिंग, अच्छा हाँ वो पुल टूटने वाला है, यस यस, पर अब मुझे ये नहीं समझ रहा अगर वो पुल तोड़ा भी इन लोगों ने, अरे भाई ये और ये कनेक्ट कैसे करोगे तुम लोग मेट्रो से, नहीं तो नीचे के रोड्स बोल रही है तो सिर्फ कनेक्टिंग का पार्ट तो नहीं होगा और क्या, अरे तो पॉसिबल ही नहीं है कि नारायण पेट से तुम FC जा सको, जाओ तैर के पूरा उल्टा, अरे नहीं अरे नहीं शायद अरे नहीं शायद अरे फेरी लगा देंगे शायद, मुझे लग रहा है इतना पानी है उस नदी में, अरे वही प्लान है उनका, अरे उस नदी में यहाँ तक पानी है मेरे एंकल के जस्ट ऊपर, एंडी एंडी बारिश में ना वो बीड़े पुल भी पानी के अंदर जाता है, देन इट्स फाइन तो अपन क्रूज चलेंगे, नहीं वो ऐसा बोला जो पुत्र हो तो बह जाओ, लेकिन अच्छा है भाई अगर कितना मजा आ जाएगा ना तुमको इधर से उधर जाना, तैर जा भाई
वो छोटे क्रिस्टन से कुछ ने अपने को दिखेगा बॉम्ब सबका सामान लेके तैर के आ रहा है फिर तुमने फिर तुम जैसे लोग उसको ही बोलेंगे कि वो तो पुणे के बाहर है पिंपरी सिंह चोटी को तो पुणे मानते ही नहीं है ऑब्वियसली नहीं मानते एक सेकंड पीसीएमसी इज डिफरेंट हां पीसीएम उनका कॉर्पोरेशन अलग है भाई तू ऑब्वियसली पुणे का पार्ट नहीं है तो मैप में क्यों आता है फिर मतलब ऐसा नहीं मैप में नहीं आता है नहीं आता है इट्स अ डिफरेंट सो व्हेनेवर तो इट्स वो बॉर्डर पर लाइंस लगा हुआ है ना दे शेयर द बॉर्डर सो अब तो मुंबई में थाने वालों को तो अगर बोलेगा कि वो मुंबई के पार्ट है देखो सब मारेंगे पकड़ के अच्छा थाने इज नॉट मुंबई मेरा भी ज्योग्राफी खराब लगता है बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक है इट्स जस्ट वहां पे रहता नहीं होता पता नहीं एटलीस्ट ये नहीं ना कि दो गली छोड़ के देन यू फाइंड दो गली 30 किलोमीटर समय कुछ ही दो गली इज लाइक 5 मिनट्स जहां 15 से 20 मिनट लग रहा है ना 6 किलोमीटर दूर होता है चीज अरे बट सच्ची तो पीच नहीं नहीं ये दिस इज यू नो अब चल ये तो ठीक है इट्स नॉट आई डोंट नो हाउ जस्टिफाइड दैट द एक्सप्लेनेशन व्हिच इज गिविंग इज बट सो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज टू And not only him, उसके बोलने के बाद मैं नोटिस किया कि बहुत लोग ऐसा करते हैं सो आई विल टेल यू कि यार यार ये मूवी आई थी यहाँ भी परसों तो आई थी वो मूवी लास्ट ईयर आई थी और ऐसे लोग तीन चार महीने वो परसों बोलते मतलब ऐसे है वो बंदा बोलता था That is a daily, वो ये हो जाता है actually want to understand how the fuck this does this stems out kyun aadmi aisa bolega ki bhai jo cheez saal bhar pehle aayi wo parso aayi ha see that is different nahi wahi wahi to main bol raha hu ki maine usko bola bhai 2019 aur 2020 mein farak hai 365 dino ka parso kaise past mein jee raha hai bhai uska time slow chal raha hai but itna slow kyun mat paro banda acha बंदा अच्छा है भाई अ तो बंदा अच्छा है उसका पर्स और उसका क्या रिलेशन नहीं बट ऐसा बहुत लोग करते हैं वो ही नहीं है मतलब देन आई नोटिस्ड मैंने पहले नोटिस उसके पास किया एंड देन आई ऑब्जर्व अदर पीपल हां ये भी तो ऐसे ही करता है वो तीन महीने हो गए पूरे जैसे अभी तो अभी नहीं है क्या तीन महीना हो गया नॉर्मली कोई रास्ता पूछ रहे अच्छा रास्ता फिर वो बड़ा हो रहा है ऐसे जाके ऐसा जाओ पेपर लेता है मस्त लिखने बैठता है ब्रैडली को बोलता है इसे गो राइट एंड गेट योरसेल्फ अ मैप एंड फक ऑफ हां गूगल मैप्स दिया ना वापरो ना यार गूगल ये है ना मेरे अरे यार मुझे एक सिग्नल में एक बंदे ने पूछा कि ये चौक के लिए मैं यहां से वो वाइट वो सिग्नल है ना जहां से अपन रिवर साइड पर रोड लेते हैं यहां जाना पड़ेगा ना तो मैं सिग्नल पे ऐसा खड़ा हूं हेलमेट हेलमेट के अंदर सुनाई तो दिया नहीं पता हम लोग मतलब मुझे ऐसे ही देखते रह गए अच्छा किधर जाना किधर देन ऑकवर्ड मोमेंट ऐसा था कि हम लोग वहीं खड़े थे सिग्नल अभी छूटने वाला था हम लोग ऐसे खड़े वेल व्हाट टू डू नाउ अरे मेरे डैड जब गाड़ी चलाते हैं ना सो वो नाउ इफ समवन इज सिटिंग बिहाइंड हिम एंड मतलब पीछे वाली सीट पे बैठे पैसेंजर सीट पे वो बोलेंगे मतलब ही सेज कि डायरेक्शंस बताओ तो ठीक है नाउ ये मेरे सामने हुआ मैं आगे सीट पे बैठा था पीछे कोई बैठा था आई डोंट रिमेम्बर हु तो वो बोल रहे अरे अंकल यहाँ लो वहाँ लो यहाँ वहाँ समझ नहीं आता रेड लाइट बोल क्या चल रहा है क्या है यहाँ वहाँ अरे भाई डायरेक्शन दो ना तुम लोग हाँ तो वो मेरा है मतलब अभी समझ मेरा भाई गाड़ी चला रहा है किधर लेने मतलब यू ले अरे व्हाट इज यू ले नहीं वो तो ठीक है सो देयर आर सर्टेन रोड्स जिसमें यू इट्स नाइदर लेफ्ट नॉर राइट इट्स गो विद द रोड इट्स जस्ट ऐसे डायगोनल हां तो शार्प मैं क्या बोलता था पता है चल रहे ना सो अगर मान लो कि सीधा सीधे जा रहे हो एंड द रोड इज डायगोनल टुवर्ड्स योर लेफ्ट नो द नॉर्थ वेस्ट ले ले सी सी नाउ दिस इज टू
too much. No, one of my friends northeast ले ले. Like क्या कर रहा है क्या north अरे वो देख ऐसा ऐसा जाना है. See इसके लिए it's intelligent. वो truck दिखा वो truck जिधर गया उसके पीछे जाओ. ये बहुत गलत direction है पता है. वो truck तो वहीं खड़ा हो गया तो फिर क्या करूँ. अरे पर वो जो रास्ते पे अरे तो वो रास्ते पे जब ठीक है मान ले रोड स्ट्रेट है वहाँ एक टर्न है उसको ले वो तू बोलेगी मुझे कि जहाँ वो ट्रक जाएगा वहाँ जाना ना यू थिंकिंग वो टर्न लेगा. अरे अरे एक सेकंड लाइव एग्जांपल अरे अपन जब अगर पीछे से आ रहे हैं जैसे अपन वो ब्लेंडिंग बर्ड्स कैफे से आते हैं तो देखो कुछ हम कभी कभी टर्न ऐसा ले लेते हैं तो मैं बोलती हूँ देख वो जहाँ पे गाड़ी गई है वो ऐसा टर्न लेना तो तुझे समझता है कि फिर से ऐसा अरे तू भाई समझ देख इट्स अ डिफरेंट थिंग इफ देयर आर डिफरेंट ड्राइवर्स आई ड्राइव डिफरेंटली. मैं ऐसा ड्राइव करता हूं कि आदमी मर जाएगा. हाउ मुझे पता है वी हैव टू लिविंग एग्जांपल्स और इसीलिए कि मुझे डायरेक्शन फास्ट लगता है कि जैसे अगर मैं जा रहा हूं लेफ्ट टर्न लेना तो मुझे बता दो कि हां कितने देर में लेफ्ट टर्न है वो खुशी लेफ्ट टर्न हां ले ले अब लेफ्ट टर्न वहां पर ना ऐसा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर एंगल बन जाता है तो मुझे कोई लेके जाएगा साथ में ये भी जाएगी मेरे साथ एक दिन ऊपर. अरे उसी दिन हम लोग कहीं ना घर जा रहे हैं उसको इसको छोड़ने जा रहा था मैं उसकी मूवी थी 6 बजे की गंगूबाई देखने जा रही थी. गंगूबाई की जगह हम चल जाते मैं जाते गंगा पुत्र की. एक सेकंड इन माय डिफेंस मैंने इसको बोला था आंटी इसका सेकंड लेफ्ट लेना है और ये माशा आगे जा रहे. अरे हां ये लेफ्ट लेना था कि मिला. हां तो मेरी हेलमेट है ना सुनाई नहीं देता जल्दी वो हेलमेट पूरा ऐसा चिपका हुआ अंदर. कल ही इसको बताया था वो अबाउट हेल्पिंग पीपल. बहुत ऐसा क्या हुआ. सो आई वॉज वॉकिंग आई लेफ्ट मैं कुछ तो आई थिंक आई ब्रॉट सम चिप्स. हाँ मैं कुछ चिप्स लिया तो उसी दुकान में एक लड़की आई बोलती यार भैया मैं आपको 300 रुपये गूगल पे करती हूँ आप मुझे 300 रुपये कैश दे दो. उसने बोला नहीं. नाउ आई हैड 1000 रुपीज़ कैश 500 मैं सोचा कि कर देता हूँ. यू नो व्हाट स्टॉप्ड मी इट इज़ अ बैड थिंग दैट इट स्टॉप्ड मी कि अगर मतलब वुड इट बी परवर्जन इफ आई मतलब अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ एंड सम हाउ ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन हुआ तो मेरे गूगल पे में तो उसका वो अकाउंट आ गया ना. तो ऐसे होता है ना कि पीपल थिंक कि ये अभी ऐसे लाइन मारेगा होता है ना वो टेक्स्ट कर देगा उसी में टेक्स्ट कर देगा. पीपल आर मैड पब्लिक मेल कर रहा है. मुझे एक बंदे ने टेक्स्ट किया है गूगल पे एक लाइन का नहीं 5 लाइन का टेक्स्ट किया है डेट्स लिख लिख के मैंने आपको इस दिन इतना पैसा दिया इस दिन इतना पैसा दिया. नाउ दैट्स व्हाट अभी ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि एंड ऊपर से चलो ये तो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसा सोच लेंगे लेकिन उनको कितना क्रीपी लगेगा कि कोई बंदा आके मेरे से ऐसा बोल रहा है. वो भी तो ये सोचेगी ना मैं हूं नहीं वैसा फिर भी वैसा बन जाऊंगा उसके दिमाग में. फाइन पर अभी फिलहाल तेरे लुक के हिसाब से तू ऐसा दिख रहा है तेरे लुक लुक आल्सो अभी मैं जाके बोलूंगा तो ऑफकोर्स लगूंगा ना ये भेड़िया जंगली देखना एशिया बट मैंने अगर बोला कि लेट मी हेल्प यू बोला है पर इसलिए मैं दूसरे लोगों को पता क्या हेल्प करता हूँ. अरे उधर गाड़ी पार्क करो उधर जगह खाली. आज सुबह ही कर रहा था आज सुबह ही उस दिन कर रही है बार सुदर्शन में खड़ा रहता हूँ ना तो उधर खड़े होते अपने पान वाले अंकल के सामने तो लोग आते हैं अरे उधर नहीं उधर नहीं वो रहा जगह उधर. और जबकि रिस निकलने वाला होता है. हाँ आज भी हुआ कल नहीं सॉरी कल हुआ था. उस दिन मैं और भाव खड़े एक बंदा आया गाड़ी पे उसके दादी उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो नीचे उतर गया वो देख रहा है किधर किधर खड़ी करूँ वो गाड़ी उसकी भाई भाव भारी उससे घूम भी नहीं गए तो धीरे धीरे करके घुमा रहा है उसको फिर इधर गया फिर वो अपने पान वाले अंकल के आगे जो बिल्डिंग है ना वो जो ऑफिस वाला स्पेस है उसके सामने वहाँ पर एक ब्लू कलर की कार खड़ी थी लेकिन थोड़ा वो पेड़ के बिल्कुल थोड़ा और पास खड़ी थी उसमें रहा होगा बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस. तो उसको इधर हम लोगों को जाना है मुझे बाउंड का हमको निकलना है हमारी गाड़ी वहीं लगी है तो हम लोग निकलेंगे तो जगह बन जाएगी लेकिन हम ऐसे खड़े थे तो उसको अरे उधर पार्क कर लो कहीं नो पार्किंग बोलता है वो अरे वो जगह नहीं वो नो पार्किंग बोला कुछ नहीं वो निकाल लेगा वो कार वाला बंदे ने जाकर वहाँ खड़ी
अब वो वहीं पर खड़ा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी कर रहा है। मैं और बॉन्ग मुझे लगा भाई अभी अगर मैं अभी अपनी गाड़ी निकालूंगा दिक्कत हो जाएगी, उधर से देखकर बहुत गाली देगा। तो फिर हम लोग गए अपने वो बुक वाले स्टॉल वाले जो चाचा है उनसे बात कर, जानते जानते हमने बताया कि हम इंदौर से। उस दिन तो भाई उसने बहुत तारीफ की हमारी, तुम लोग राजा लोग। नहीं नहीं ऐसे हम लोग बैठे हैं ठीक है, मैं मस्त ऐसा मैं वो नया महंगा वाला पैंट पहन के जा रहा हूँ ना कहीं फेस्टिवल में, पिफ में ना, हाँ तो मैं जाके बैठ रहा हूँ ऐसा बैठा हूँ मैं और ये बैठे हैं, तो आए यार तुम लोग यार मस्त आते मैं क्या बोलूँ, तुम मतलब तुम दोनों और वो आती है ना वो, हाँ यू मैडम, हाँ मैडम यार मस्त। आज दिन तक एक बुक नहीं करी थी पर सही में एक बुक भी नहीं करी थी, एक बुक भी नहीं करी थी, लेकिन मस्त है एकदम आके बात बात करते हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा बनवास दिए, क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा क्या पढ़ाई लिखाई इसको बताया मैं कि मैं 12वीं दो बार फेल हुआ उसको अभी तो ये वो बहुत तारीफ कर रहा है ऐसे ही। फिर उसमें क्या क्या और क्या क्या बोले तो बहुत ऐसे एकदम रॉयल लगते हो बंदा अगर अपना धंधा सेट करना चाहता है तो सोन में आता है कि वो ट्राई कर रहा है कि धंधा सेट करेगा, वो जिस हिसाब से बोल रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा बहुत हार्ड फेट लग रहा था ऐसा, रो दे अभी हैंडी दो तुम ही हो यार और भी तो हमारी कीमत ही नहीं जानता मैं। अरे इवन अभी जैसे खुशी के वॉचमैन्स भी तो हमसे थोड़े प्रसन्न हैं। हाँ, खुशी की तारीफ हुई थी ना उसे। खुशी की तारीफ हुई थी उस दिन, देखा हम तो है ही अच्छे, वर्चस्व तो हमारा है, बस लाभ वो ले जा रहे हैं। और पान वाले अंकल भी अपने को यार देखा कितने प्यार से बात करते अपने इतने से क्या होता है तो पूरा खाने का, दो तीन खाएगा तो लगेगा कुछ चढ़ा, लगे यार तो आप यार दो तीन खाएगा तो एक दिन ना अंदर से ले ले अच्छे से। ऊपर से मैं ये और वो बुक वाला बात कर रहे हैं तो वो अरे वो तो वो आज चिल्ला रहे वो पान वाला पान बना रहे ठीक है, पान बना में चिल्लाते हैं हे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहा था, चपड़ चपड़ करता रहता पूरा दिन। अभी क्या है कि वो इनको बोल रहा है सबको सुनाई दे रहा, लेकिन ये जो बंदा है बुक वाला है वो उसको क्या गाली दे रहा उसे मुझे सुनाई दे रहा क्योंकि ये पान ले चला गया था और ये बोला गांव में गोली मार दूंगा ऐसा होता है, साले बूटे ही मार दूंगा बोलता है गोली मार दूंगा गांड में ऐसे बोल, बंदूक नहीं है मेरे पास। वो नहीं वो क्या हुआ उधर ही खड़ा था उधर से आया सिगरेट फूंक रहा था वो, तो मैं और बाऊ देख रहा और कैसे हो बाऊ बोलता टाइट फिर तो आता था कितनी एक दो तीन और लिटरली ही डिड दिस पांच छह सात आठ नौ क्या मार क्या हो बियर मतलब कौन सा किंगफिश स्ट्रॉन्ग मतलब खम्मा नहीं किंगफिश स्ट्रॉन्ग कैन हाँ कैन नौ खत्म। फिर भाई बता रहे थे तो मतलब मैं जहाँ से हूँ ना तो वहाँ पर जो देसी बनती है वो एक किस्से बनती है जो फ्रूट आता है महुआ करके। I know, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है महुआ को प्रॉपर्ली वो लोग अच्छे से पहले तो क्योंकि वो महुआ को तोड़ नहीं सकते हो। हाँ, वो गिरना उसका जो पेड़ जो है ना बट वो डेलिकेट होता है अब चढ़ोगे टूट जाएगा आपके हड्डी पसली एक हो जाएगी राइट। तो कैसा होता है जैसे नॉर्मल अपने जो फ्लावर वाले जो बड़े पेड़ होते हैं ना खासकर जो ये होते हैं क्रीपर्स जो क्रीप करते हैं कभी टूट के गिरते ना नीचे ऐसे तो महुआ के पेड़ के आसपास भी पूरा वो टूट के गिरता है नीचे तो आपको बेसिकली बिनना पड़ता है उसको। तो वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं फिर उसको लेके जाते हैं नदी के पास फिर मस्त उसको घोट के और बहुत करके उसके फिर दारू बनती है। महुआ एक्चुअली यूज इसमें बहुत कुछ होता है अपना पूजा पाठ में बहुत यूज और खाना है उसपे प्रॉपर रोटी और ये भी बनता है महुआ का एक्चुअली हाँ उसका एक रोट बनता है बहुत मीठा होता है तो कुछ मिक्स होगा ना जो जिससे अल्कोहल बनता है उसमें कुछ मिक्स करते होंगे वो लगाते हैं उसको एक्चुअली कैसे सड़ाते हैं पहले तो हाँ फिर होगा सो इट्स जस्ट लाइक फर्मेंटेशन वो वाइन जैसा है ना वाइन इज नॉट फर्मेंटेड राइट मुझे नहीं पता वाइन इज डिफरेंट अच्छा तो फेनी काजू जैसा हो गया हां एग्जैक्टली जैसे फेनी वगैरह बनती है वैसे ही एक एक इंग्रेडिएंट जैसे अभी नॉर्थ में यू गो
तुम्हें चावल का वो मिलेगा, क्या बोलते उसको, ये जमानिया दीवानी में था ना वो चपटी, चपटी क्या होता है, चपटी तो आई थिंक वहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मैं चपटी में ऐसा कुछ होता है कि जस्ट देसी दारू होता तो वही बस। हाँ बट वो वैसे ही बनाते हैं जैसे चावल को सड़ा के बनती, चावल से बनती है, हो गया एक महुआ हो गया, इधर अपना साउथ में भी एक अलग अलग प्रकार की बनती है, ईस्टर्न साइड में तो और है अपना वो जो वो पेनिनसुला है जहाँ पर नागालैंड और वो बंच ऑफ द सेवन सिस्टर्स जो है उनका तो भाई दारू ही अलग है। ये तो यार ये है ना, ये मैं सही बताऊँ ना, हंडी, हंडी बोलते हैं राइस बियर को, लेकिन इट इज अ वेरी पॉपुलर, क्या बोलूं मैं, ड्रिंक एक्चुअली, अल्कोहल इन जनरल इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, यू कैन कॉल इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एक्चुअली। सो अभी जैसे सोशल इविल बना के रखा हुआ ना अभी, लाइक नहीं पीना चाहिए, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है, सोशल इविल तो वैसे कि इट ऑल स्टेम्स डाउन फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हियर एंड देन तुम अपना कितना उस पे दिमाग लगा रहे हो, कितना एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हो, और वैसे हैपेंस विद वो होता है ना, यू लूज कंट्रोल ऑफ योर माइंड, देन मॉडरेशन इज द की, तो वो तो वैसे ही ना अभी वो पब्लिक समझता है। अब तू चाय अगर तू देख, अभी चाय तो नॉर्मल है, तू दिन में अगर 30 कप चाय पिएगा तो मरेगा। हां तू 2 कप चाय पीना यार दिन में, सही बात, कितने कप चाय पिया आज, एक भी नहीं, ये भी ना बात, ब्लैक टी भी ना, फॉर पीपल हु आर डायबिटीज उनको बोलते हैं ना दैट दे शुड ड्रिंक वाइन, इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ। वाइन का तो भाई माय मॉम इज अगेंस्ट अल्कोहल कंप्लीटली, ठीक है, तो हम जब भी मम्मी अभी भी ग्रेप का जूस बनाती थी ना कम हरामी तो वो नहीं तो नहीं ग्रेप जूस है, बोला हाँ बस वाइन भी तो यही होता है कब से वाइन पीएंगे भाई, सब कुछ है, तू यही कर, यही कर, तुम लोग है ना ऐसा कर करके दारू पी पी के है ना, जिसका जो दारू बेच रहा है ना उसको उसको अमीर बना दो, मैंने बोला मम्मी उसी को धंधा बोलते है, यू सेल समथिंग अदर बाय समथिंग, खत्म। ये महीने के हम लोग नारियल खरीदते थे प्रॉपर एक बार में चढ़ाने के लिए, नाना जैसे खरीद के लाया मुझे इतने नारियल, मैं छोटा था, तुम्हारी नानी है ना ये सोमवार को इसको नारियल चढ़ रहा है, गुरुवार को इसको नारियल चढ़ रहा है, शुक्रवार को तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये पूजा वो भी करते थे, ऐसा नहीं है भगवान भी नहीं करते, लेकिन उनको ये समझ आया इतने नारियल जा रहे हैं। अरे ये जो मेरी बहन ने पता मेरे क्या बोला, मैंने कहा मम्मी चलो मुझे एक बात बताओ, जिससे मैंने दारू खरीदी अगर वो जाके डोनेट कर रहा है तो नोबल कॉज है कि नहीं है, नहीं नहीं वाला वाला ठीक है फिर तो बड़ा बढ़िया है, ईमान भी होता है सब बढ़िया है। अरे तुम ऐसे कभी ना, तो मेरा भाई इसलिए बड़े पापा का जो लड़का है कौशल, उसके से कॉन्वर्सेशंस देखने विथ हिज मॉम और हिज नानी ऑन गॉड, उनके पास कभी जवाब होता नहीं है कि हम ये कर क्यों रहे हैं चीज, जो चुप कर रहा है तो भी इज नॉट गेटिंग मैरिड, उसका ये कि मैं शादी नहीं करूँगा, अभी वो घर पे ही इज 34 समथिंग, तो शादी कर ले शादी में, तो उसकी नानी ने ऐसे पूछा है तू शादी कर ले यार, मतलब ठीक है मैं आपके लिए, तो वो शी इज लाइक प्रॉपर ओल्ड ऐसे वाइट बाल है अभी उनके, ठीक है आप कर लो मैं आपके लिए लड़का ढूंढता हूँ, तो यू कांट विन अगेंस्ट दिस पीपल व्हेन इट कम्स टू गॉड, तुम ऐसे उनको ना छोड़ दो कि हाँ ठीक है करो, तुम उनको उनमें शांति मिल रही है ना यार, ठीक है फेथ होना चाहिए। एक बहुत मुझे याद करता हूँ, वो एक बहुत एक स्पीकर है, वो एज ए गॉड के बारे में बता रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट फेथ इज फाइन, रिचुअल्स जो है वो थोड़े स्टूपिड लगते हैं। हाँ तो आफ्टर सम टाइम उस समय के लिए वो फाइन रहता है, लेकिन जैसे समय चेंज होता रहता है रिचुअल आइदर नीड टू change or be stopped or get updated, वो writings on the wall वाली बात है, इसे पढ़ो वो और करो ऐसे ये, so like बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे कि वो नाखून रात को नहीं काटने चाहिए ये बोलते हैं, वो reason था ना उसका light नहीं था, हाँ पहले जमाने में light नहीं होता था इसके, भी कर सकते हो ना ऐसा, बिल्ली there are many things,
But see, now there are a few scientific reasons also inclined with some things. मम्मा जैसे बोलती है थर्सडे को बांध ली धोना है. अप टू गेट टू नो दैट रीजन थर्सडे अभी ऑब्वियसली अर्थ रोटेट भी हो रहा है ना. सो कोई प्लैनेट्स अलाइन होते हैं विच क्रिएट सम नेगेटिव एनर्जी. So every so basically on Wednesdays and Saturdays I can't cut my hair. I can't because I was born on a Wednesday. Hey, even I was born on a Wednesday. Inch pinch. कोई अगर संडे को बॉर्न हुआ तो सैटरडे संडे कुछ नहीं और फिर ऑफिस प्ले हो. बेस्ट ना ग्रीन टी मिलती भाई. ना पर पता है सो डाउन द लाइन आई थिंक 2078 was very easy. मेरा faith बिल्कुल high charm सी हो गया था. भगवान अच्छा दिल में बस ये used to be ढूंढ मुझे पूरा हनुमान जी से आया था अभी भी याद है. हाँ वो गाता है तो छोड़ छाड़ क्यों दिया सब. हाँ छोड़ छाड़ क्यों दिया फिर सब. अरे मैं बहुत पूजा करता था मैं सो मेरी मॉम वो रखती थी गुरुवार के उपास. हाँ मॉम भी रखती थी साईं बाबा और देयर इज अनदर गुरुवार है थर्सडे ना. हाँ हाँ मामा भी रखते बृहस्पति देव दैट गॉड दे यूज्ड टू उस दिन कुछ नहीं खाते थे लोग पूरे दिन. शाम को बस एक एक टाइम का खाना होता था. और उसमें भी आई थिंक वही हो प्याज लहसुन और वो सब नहीं डालेगा. नॉर्मल अपनी आलू और टमाटर की तरी वाली सब्जी या तो पराठा या तो फिर वो पूरी. मैंने भी रखे वो फास्ट. मैं बकायदा कथा वथा पढ़ता था भाई अकेले बैठे हुए. पर छोड़ा क्यों वो बता ना. तो आ रहा है इस कारण स्लोली स्लोली एंड स्लोली तो उस टाइम मजा बहुत आता था. पता है जैसे एक मन की शांति जो ये लोग बात करते थे ना इट एक्चुअली एग्जिस्ट. सो इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉपुलेशन हु इज चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ वे एंड देन अवेलिंग द सेम रिसोर्सेज एंड देन व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट. जो बोलते हैं ना कि अरे हमको मन की शांति मिलती है इसलिए हम लोग करते हैं मिलती होगी बिलीव है ना. एक्चुअली मिलता है बहुत लोगों को मुझे मिल चुकी है. एंड देन फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा लाइफ जैसे सब बढ़ते चौखट के बाहर गया डिस्कवर्ड साइबर कैफेज डिस्कवर्ड लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक पॉन एंड देन आई फेल्ड इन 12th स्टैंडर्ड. तो पहले कैसा होता था यूज्ड टू फील कि if we pray in front of God things will be good things will turn around. बोलते ना कि नहीं तुम भगवान में believe रखो सब ठीक हो जाएगा. It's bullshit. It is. I don't know होता होगा तो ठीक किसी के लिए अगर मैं ऐसे वो once in a while coincidence होता है फिर. नहीं मेरे लिए deja vu है फिर वो. तेरा deja vu हुआ था वो actually बंदे ने वो कर दिया इसलिए that's why you're not good. So that's why that's the thing. But ठीक है miracle and all those things are different. तो I used to believe कि नहीं यार if I believe things will be good. chemistry के paper में लिख के आया था मैं एक line लिख के आया था पास हो जाऊँगा मैं मुझे पता है. हाँ ना this is भगवान मेरे साथ है तो फिर तेरी गलती है भाई. हाँ बता रहा हूँ ना मैं कि you believe in those things as if कि सच है और नहीं वगैरह वगैरह कि नहीं यार मैं अभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है तो आज भूत ही पकड़ेंगे रात में और सुबह तक नींद अच्छी हो जाएगी और सुबह एग्जाम भी अच्छा रहेगा. ऐसा नहीं कि मैं चार चार बजे उठ के पढ़ता था बट व्हाट हैपेंड वाज कि फेल होने की बात भी नहीं है वो तो एक इंसिडेंट था बट वो एक इंसिडेंट था मेरे लिए. लेकिन वो एक ऐसा था प्रॉब्लम कि स्लोली यू रियलाइज कि ठीक है दिस थिंग एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट व्हेन यू से कि मैं आज प्रेयर करके आऊंगा तो भाई यार इसमें है ना. सो देयर इज वन देयर इज अ फाइन लाइन एक्चुअली वेयर सो इफ एनीथिंग इन योर लाइफ डज सो
ऑल दिस इज बिलीफ व्हेन यू से दैट मैं जब तेरे को जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो मुझे वो दिन पकड़ेंगे दिस इज बिलीफ इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस सो यू डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग्स या ठीक है एंड यू डोंट टेक दोस थिंग्स अंडर योर कंसीडरेशन व्हिच एक्चुअली विल प्रिवेंट यू सो व्हेन देयर इज अ सर्टेन देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच विल अफेक्ट योर लाइफ ठीक है व्हिच इज अ प्रैक्टिकल थिंग तो मतलब ये चीज मटेरियलिस्टिक है ना दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल और ऐसा कुछ वो क्या बोलते हैं ऐसे मन वाली चीज नहीं है जैसे मन में कैसे एक विश्वास आ जाता है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ये वो वाली चीज नहीं ये एग्जाम है इफ यू डोंट स्टडी फॉर इट यू विल फेल तो एक लाइन लिखेगा तो यू विल फेल ऐसा मत सोचना कि एक लाइन लिखेगा भगवान देख लेंगे वो तो बेसिक चीज है नहीं आई एम सेइंग लोग उससे कनेक्ट करते हैं ना देन स्टफ हैपेंस एंड देन पीपल लूज बिलीफ दैट इज माय पॉइंट नहीं अभी मैं ये बोलती हूँ अभी राजस्थान में थे हमारी गाड़ी खराब हो गई वहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि तुम पुणे में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई तुम्हें एक किलोमीटर के बाद ना कोई मिल जाएगा यू हैव टू गो टू प्रॉपर सिटी टू रिपेयर योर व्हीकल तो दीदी वॉज गेटिंग रेडी हमारी गाड़ी खराब हो गई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है मैं धक्का मार के सब ट्राई कर लिया महाशय ने स्टार्ट किया उधर हनुमान चालीसा का पाठ दीदी ने She's away from us, okay? महाशय महाशय कौन महाशय महाशय इज क्या बोलते हैं वो हमारे महाशय ही है मेल मेल होता है वो जगह पंडित आ गए फीमेल ले लो मुझे तो वहां से शी वाज नॉट नियर अस मैंने उसको कॉल पे बोला था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही उन्होंने पार्ट स्टार्ट कर दिया अब ऑब्वियसली अगर गाड़ी थोड़ा गर्म करके तुम उसको धक्का मारोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी प्रकट होएगा संकट मोचन अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो इसलिए देख मैंने पार्ट किया इसके लिए हुआ तो कोइंसिडेंस में पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि मैंने ये किया इसके लिए वो हुआ देन यू से यस एंड मूव ऑन तो ये दूसरा है ना एंड इसको सपोर्ट करने के लिए द सीक्रेट बुक जो आई थी दैट द चेरी ऑन द केक मैनिफेस्टेशन हां वो मैनिफेस्टेशन को इन लोगों ने बट दैट ओपरा विनफ्रे ने उस बुक को जो यूनिवर्सल किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन शी स्टार्टेड प्रमोटिंग दैट बुक ऑन हर शो That book went bonkers. Yeah, and उसके पांच भी कितने हिंदी वगैरह मेरे घर पे अभी सिटी वाले घर जाएगा ना you will see the same पांच books है उसके उसके हिंदी प्रिंट वर्जन्स भी तुझे मिल जाएंगे मेरे घर पे ये है ना श्रद्धा सबूरी श्रद्धा सबूरी हाँ ये जो तूने जब बोला ना actually एक और तरीका बता दो बहुत सिंपल गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल फर्स्ट गियर में डालना तुम राजस्थान की गलियां देखो हमारे एक बार आके हाँ बोला मैंने कौन सी साइड ऑफ राजस्थान डिड यू गो एक सेकंड आई बीन टू अजमेर हाँ सो डूड दैट इज अ सिटी देख तू गांव में रहती है तो मेरी गलती नहीं है ठीक है मेरे पे मत चढ़ तो एक सेकंड गांव डूड विलेज तो विलेज ही होगा ना यार ठीक है अब तुम लोगों को जयपुर बोलोगे तो उनका गांव है तो दैट इज नॉट गांव फॉर देम ये है ना इट्स अ सिटी हेलो क्या इसे ये देयर इज अ बहुत एक एक क्या बोलते हैं उसके जब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना सो बहुत ओके वेट लेट मी फॉर्मुलेट दैट शिट वरना मैं स्टटर करता रहूंगा हाँ तो सोच लेते मुझे क्या बोलना है हाँ तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी जो मैं बोल रहा था तो मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ धीरे धीरे कि ये रियलाइज हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग इज अननेसेसरी ठीक है वो बोरियत आदमी कह सकता है या फिर मैं ऐसा भी सोचूंगा कि मैं इतना समय जो इसमें डाल रहा हूँ मैं कहीं और डाल सकता हूँ yes. तो मैंने वो समय कहाँ डाला टेक वाइल्ड गेस साइबर कैफे साइबर कैफे में जो मैंने जा जाके म्यूजिक डिस्कवर किया है मूवीज डिस्कवर किया आया मेरे मम्मी बोलती इतने प्रोजेक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं तुझे मम्मी स्कूल का प्रोजेक्ट है असाइनमेंट है मम्मी 10 रुपये तो ना पहले भी बहुत सस्ता था ₹15 फॉर हाफ एन आवर मेरे जैसे हरामी बच्चे के लिए बहुत है अपनी 15 साइड सेट है उन्होंने बुक में लिखा हुआ है अरे डायरी में लिखा था इस साइड पे मिलेगा इस साइड पे मिलेगा फटाफट आई स्टिल रिमेम्बर सो
एट वन पॉइंट मुझे किसी बात पे तो गुस्सा आया एंड मेरे तो मैं बस 2 GB का मेमोरी कार्ड हुआ करता था. आई हैड C202 नोकिया वो स्लाइड करके जिसके नीचे से कीपैड आता था बाहर जादू. तो वो मैंने फॉर्मेट मार दिया पूरा. उसमें कुछ 1000-1200 गाने थे, अलग अलग एल्बम्स थे, सब डिलीट मार दिया उसने. एंड आई हैड अ फ्रेंड एट दैट टाइम, वो अपनी वेबसाइट बताता नहीं था और उसके पास बहुत अतरंगी गाने हुआ करते थे. मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगते थे लेकिन नाम नहीं बताएगा, गाने सुनाएगा. ये वो जमाना है जब आदमी का शज़ाम नहीं था. फॉर्मेट मारा तो बोला अरे क्या बात है बहुत सही किया, तुझे मेरा कलेक्शन दिखा दो देख मेरे पास 1300 गाने हैं. स्टिल रिमेम्बर मैं एक बार गया हूँ साइबर कैफे फॉर एन आवर, आई गॉट एंटायर कलेक्शन बैक ऑफ 1200 सॉन्ग्स. लाइफ में मैं कभी प्राउड नहीं होता इतना. मैंने लुक बैक एट दैट मतलब क्या टाइम वेस्ट किया मैंने अपना जिंदगी में. म्यूजिक क्लास गया था ना तो आज पियानो बजा रहा था मेरे प्रैक्टिस में. तो मतलब दैट्स व्हाई आई थॉट कि इससे अच्छा तो मैं ये टाइम कहीं और डाल दूँ. देन स्लोली स्लोली ऐसे नहीं ये मुझे हाथ में धागा नहीं बांधना है, मैं नहीं बैठ रहा पूजा में. तो मम्मी पहले मारती थी फिर बाद मारना छोड़ दिया था लाइक. फिर मम्मी से पता नहीं आगे क्या करेगा. नाउ शी इज लाइक और कैसे हो मम्मी आपके भगवान कैसे हो ऑल गुड अभी नाइट चढ़ा के आई हूँ. तो ऐसा हो गया रूस फैन में. वो बाद में मेरे को तो हाउ आई फाउंड कि उसका वो म्यूजिक कहाँ डाउनलोड करता था हिस्ट्री में क्या था. हिस्ट्री में नहीं गया था मैं. तो व्हेन यू टेक अ सॉन्ग एंड यू गो इनटू इट्स प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में जो डिटेल्स पे सेक्शन पे जाएगा ना तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है नोट्स या फिर कमेंट. तो कमेंट सेक्शन में व्हेनेवर यू डाउनलोडिंग द सॉन्ग फ्रॉम व्हिच वेबसाइट उसका वेबसाइट का वहाँ पर नाम डाल देता है. वो पर्सन डाल देता था. तो कैसा होता है अभी देखो आप पायरेट कर रहे हो बूटलेग कर रहे हो बेसिकली म्यूजिक. किसका एल्बम ले लो अभी टेलर स्विफ्ट. टेलर स्विफ्ट का एल्बम आया था 1989 के बंच ऑफ एडिशन होंगे. जापानीज डीलक्स एडिशन होगा, एक डीलक्स एडिशन होगा, एक नॉर्मल एडिशन हो गया और सीडी बोनस वगैरह जो भी. तो आपने पूरा बूटलेग किया उसको. बूटलेग इन द सेंस उसका जो भी डीवीडी है या फिर कहीं से भी आपने उठा लिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो सेशन से उठा लिए. हाउएवर यू गॉट दोज फाइल्स आप उसको इंटरनेट पर डालते हो. तो इंटरनेट पर आप उसको सेल करोगे तो जो भी वेबसाइट ये सब पायरेटेड कंटेंट अपने वेबसाइट पर डालता है तो आप उसे खरीद लिया. तो व्हाट दे डू इज उसके टैग एडिट्स होते हैं. जैसे अपने वीडियो फाइल्स के एडिट्स होते हैं वैसे ही म्यूजिक का भी एडिट होता है. तो उसका जो डिटेल्स वाला सेक्शन होता है ना उसमें आपका आर्ट वर्क आ जाता है. तो व्हेनेवर वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक आर्ट वर्क आ गया वो डलता है उसमें. नाम हो गया एल्बम हो गया वगैरह तो वो सारे डिटेल्स में दे वुड पुट देयर वेबसाइट्स नेम कि ये इस वेबसाइट से आया हुआ है. As if to show that the file belongs to them, where the path is, you can track back to them. कि हाँ ये और बाकी चीजें और भी होती हैं उसमें और नीचे वाले sections में और भी details हैं. Song के अपना क्या बोलते हैं कितने hertz पे है उसका वो सब कुछ बहुत कुछ है उसमें. ये किसने बताया था by the way notes के बारे में. मैं खुद discover किया हूँ properties में जाके. मैं खुद discover किया हूँ. मैंने भी वैसे ही किया था actually. Then I found उस time पे एक site हुआ करती थी itemvn.com. अभी वो बंद हो गई है. तो उसमें एक एंड्रू करके बंदा था कौन सी कंट्रीज था वो अपलोड करता था. तो उस पर आपको सिंगल सिंगल फाइल्स अपलोड करता था. पूरा एल्बम रॉ या ज़िप फाइल में अपलोड नहीं करता था. सिंगल सिंगल फाइल्स आपको आएंगी एंड तुरंत एज सून एज द एल्बम इज अबाउट टू रिलीज अगर 22 को रिलीज हो रहा है तो आपको एल्बम मिल जाएगा 18 तारीख को. तो फिर मैं वहाँ से डाउनलोड करने लगा. उसका दिमाग का पावर बन गया मजा आ गया. But the time waste kiya life mein. And then from there, moving on to torrents. Torrents toh bhai, main jo discover kiya tha. C202 pe main download kiya tha first torrent apna. I still remember, wo ki USB cable se connect karke. Toshiba apna Intel Pentium. U-Torrent. Bhai, 1.5 days laga. Main bhi overnight rakhta tha bhai. 5 se 6 KB, 8 KB max speed mil rahi hai.
अरे आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, तो मेरे को गेम ढूंढने में ढूंढ लिया ना, मिल गया ना, ये डाउनलोड होके रहेगा रात भर चालू है. करेक्ट. पापा बोल रहे बंद नहीं. क्या बंद नहीं, कंप्यूटर चालू रहेगा, करना ही नहीं है. एक मुझे तो पता था, पापा को पता ही नहीं है. ठीक है. तो मैं भी क्या मैं ड्रॉप कर देता ठीक है, और नेवर स्लीप तो जाएगा नहीं स्लीप पे, मर्डर ऑफ. पापा लगता बंद है. एक दिन को मालूम पड़ा चालू है, तो ले क्या है चालू करने. अरे नहीं डाउनलोड हो रहा था एक दिन. ठीक है, ऊपर वाले कर से ब्लैक वाले से बोले. मैं फिर दूसरे दिन भी चालू रखा, मैंने क्या दो दिन चालू रखा. अरे डाउनलोड है. बोले कि कब तक चालू रहता है, पूरा रात चालू रहता है. मम्मी ने बोल दिया पूरा रात चालू रहता है. क्या बात है, उसका एक्सप्रेशन इज प्राइसलेस. Some guys in the building. अरे ये story बोल चुका है अपने को पहले. Actually. अरे ये बोल चुका है पहले अपने को ये story. I had a friend. उसका desktop था. पुराना. हाँ वैसा ही वही 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 same मेरा भी. ये जाके ये लोगों को लेके जाता था CD खरीदने. मैंने वो नहीं 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 पाया. वो तो भाई वो अलग story है. तुम black business पर खोलो उसके यहाँ पर, वो काले कारनामे में उसके. वो अलग story है. वो stories are very very different. ये सब जानने वाला है. आपको जाएगा पार्ट ऑफ यू पढ़ लिया ना, सुन ले ना बावर बेंचो. मैं बोल रही हूँ सबके नाम बीप कर देंगे ना अपन, रोबोटिक आवाज डाल देंगे सबका. तो यार फिर क्या फायदा, फिर समझ ही नहीं आएगा. फिर क्या मजा नहीं आएगा कुछ. क्या तू भी यार समझ नहीं आएगा एक्चुअली. तू रोबोटिक आवाज कर देगी तो नॉर्मल आवाज चेंज कर देगी थोड़ा. ऐसा ना बोल रहा कि तू अपने डार्क सीक्रेट्स बाहर बोलो भाई, उसको मैंने मार दिया उस लॉट में गाड़ा है. अरे नहीं निकल यही हुआ. तो हम लोग वो बैटरी वाले के वहां पे खड़े, तो अभी हमको रविवार पेट जाना था. तो मैंने हिमू को कॉल किया, मतलब प्लास्टिक मिलेगा मुझे. बोले क्या क्या काम किया था तुझे, मतलब मुझे दरवाजे जीतना चाहिए. बोले क्यों. बोले नहीं मैं मर्डर करने वाली हूँ. लिटरली साइड से जो लोग जा रहे थे ना ऐसे, तो ये क्या बोले. फिर मैं अरे शूट के लिए चाहिए तू बोल. एक दिन सच्ची मैं बोल रही हूँ, मेरे ये कारनामों के कारण ये कारनामे करवाता कौन है ये. एक दिन सच्ची जेल में जाऊंगी मैं. You wanted to be production. अरे you are in production now. तो तुम ऐसी, अरे तू normal चीजें pimp करवाओ यार. तो तू straight answer देना सुनना shoot के लिए चाहिए. तो तू वो सुनते हो पे लोग, वो भी वैसे ही है. तो किसको call लगाया तूने? हिमू. हिमू भी पैदा हुई तो गए. मेरे को लगा हिमंत की बात कर. अरे उसको मेरा क्या? मैं वही तो बोले उसको भी phone लगा. मैं उसको आधे दिन अपना पता नहीं है तो क्या बताएगा उसको, क्या बताएगा नहीं भाई. अभी तो वो चार दिन पहले बोल रहा था कि गोवा महंगा पड़ेगा या नेक्स्ट ईयर. हाँ अरे लॉजिक ही नहीं समझा मुझे उसका. गोवा क्या करना रहा है. अरे मुझे ही नहीं समझा वो. एक सेकंड, वो जितने बार भी गोवा गया है वो शूट के लिए गए. तो वो चीज़ पूरी अलग हो जाती है. वो देर आर, अभी पुणे में देर आर महंगा प्लेसेज एंड देर आर बजट फ्रेंडली प्लेसेज. तुम्हें कौन बोल रहा है जाके हैमर्स बैठो यार. हैमर्स इज 20,000 एंट्री. गया नहीं है गोवा. ये हेमंत और रौनक ने उस बेचारे का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उधर. यानी मुझे समझ गया, बोले मैं रौनक को पूछने वाला हूँ. पता है क्या होगा, पता है ये तने रेंट करेगा एक दिन हमारे सामने आके. हाँ देखिए मैं भाई इसलिए उसको बोला था कि आज वो आ जाए, मजा आता आज के पॉडकास्ट में. अरे वो होने वाला है कि यार खुशी यार ये ऐसा ऐसा गो. इसलिए कि अभी मैं बोल रहा हूं उसको लग रहा था होली के कारण मार्च में कर दी रहेगा. नहीं खुशी अप्रैल में मैं जाऊँगी ना. तुझे पता है सारे फॉरेनर्स टाइम के लिए वही टाइम पे गोवा में रहेंगे. तुझे और गर्दी मिलने वाला है तभी. बोले फिर NH7 वीकेंडर में ना बेटा, तुम होली के लिए गोवा रो रहे हो और NH7 वीकेंडर जाना है जिधर आधा पुणे भरा रहने वाला है.
यू आर सेइंग ना वहां पर लोग फिर जूते पे उल्टी करते हैं. अरे हाँ, अरे हम लोग सनबर्न गए थे, ये गोल्फ क्लब है ना, थोड़ा पीसीएमसी साइड पे उधर. अरे बच्चों को कुछ नहीं है, वहां पे उल्टियां कर रहा है उसमें ही लोट रहा है, जाना ही नहीं है भाई. तो भाई ऐसा है लोड के और क्योंकि अभी नेक्स्ट प्लेयर जब तक आ रहा है तो लोग वहां पे ही बैठे हैं, फिर वो उड़ रहे हैं कुछ तो वो उसको पकड़ रहे हैं, यही चल रहा है ऐसे करके बैठे हैं मेरे सीने में. हाँ भाई वो घूम रहे हैं जमीन पे तो जब पकड़ के श्री रेलिंग पकड़ के श्री राम जानकी चल रहे हैं तो वो नहीं वाले कुछ नहीं. वो बेचारा इतना उम्मीद से था ना खुशी गोवा जाते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ अपन चलते हैं ना ये दो शूट करो अप्रैल में चलते हैं. अप्रैल तो दो बोल रहे गर्दी तो वील गो साउथ गोवा ना, वील गो साउथ गोवा तो साउथ चल लो. एक सेकंड क्या किधर चलो गोवा चार घंटा इधर सुन ना आए भाई केरला में ना सच्ची लग जाएगी यार. एंड केरला का बजट एक सेकंड तेरा बजट क्या मुझे पता तू. अरे हॉस्टल में रहेंगे बट वहाँ पे ट्रैवल का खर्चा. हॉस्टल क्या है? हॉस्टल्स इज लाइक हॉस्टल्स. अरे कॉट बेसिस पे यू गेट बेड्स. उससे अच्छा अप्रैल में गोवा चल. दो बाजू वालों को आप जानते नहीं हो, उसको हाय बोल देने का एक बार, बोला मेरा सामान नहीं चुराना, चुप रहो. क्वीन देखी है? वो सारे लड़कों को मिलती है, उसको ऊपर का बंक बेड मिलता है सोने के लिए, बस वैसे ही होता है. सस्ता होता है 600 रुपया पर नाइट. ए 500 रुपया होता है तू 600 में. 100 रुपये में तो ना बहुत सुन ना 100 रुपये में तुझे सोबियर मिल जाएगा, बडवाइजर मिलेगा. 100 रुपये में तुझे दो नारियल मिल जाएगा. ए नहीं 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 गोवा में महंगा मिलेगा. बड़ा स्टीरियोटाइपिकल हो गया. सुनो तुम्हें दो बडवाइजर के कैन मिलेंगे 100 रुपये में गोवा में. पर मेरे को मैं पीऊंगा ही नहीं, मैं नारियल पीना मेरे को. फिर भी 60 रुपीस का एक नारियल विदाउट मलाई. नारियल पानी बिना विदाउट मलाई 60 रुपीस गोवा में पियो तो. नहीं यार ठीक है मलाई कहीं और खा लेंगे. बस 100 रुपये दो बडवाइजर मिल जाएगा. हाँ अरे 50 रुपये सुन ना मैं तुझे बोल रही हूँ. भाई 50 रुपये का लेज मिलता है, मेरे को लेने का मन नहीं करता है. सुन ना वहाँ पे पानी से सस्ता दारू है बियर. एटलीस्ट वो तो बोलेंगे ना कि इतना पूरा समंदर दिया तुमको, चाके पी लो जब डूब मरो. साउथ गोवा में गर्दी होता ही नहीं है बिकॉज साउथ गोवा में पब्स वगैरह नहीं है ना. इफ यू वांट टू एंजॉय द बीच एंड द सीनिक ब्यूटी तो साउथ गोवा जाओ. कैसीनोस जाने तो पंजी पर 10,000 रुपए एंट्री है. नहीं भाई हम मिल चुके हैं, बंदा जो गया था कैसीनो हमें नहीं जाना कैसीनो. बहुत गाली दिया उसने. सी देयर आर अ फ्यू प्लेसेस जो जाओ पंजी घूमो थोड़ा, एक दिन पंजी में निकालो, दो दिन नॉर्थ गोवा दो, दो दिन साउथ गोवा दो, बहुत इनफ है गोवा के लिए. वो फिर घर आ जाओ तवर बेड़ा गंग में जो. अरे मैंने तो आंटी को ये भी बोला, देख कलंगुट पे ना प्रॉपर वॉशरूम्स एंड धाने वगैरह के लिए बीच पे. यार तो फिर घर पे मिलने, वैसे भी रात भर अभी जागने की आदत हो ही चुकी है सबको. ऐसा नहीं है ना कि फिर हाँ मतलब एक रात आदमी जग गया सोए ही नहीं ऐसा तो नहीं ना वहाँ पे. नेक्स्ट डे आदमी ऐसे बीच पड़ा हो, वो कौन है? वो तो एंडी सो रहा है. मेरे टैल ले रहा है. हाँ टैल ले रहा है. रात इतना टैल ले लिया रात में काल नहीं होगा ऐसा जैसी स्किन सो ना जल गया भैंस. इतना ही टैल ले काला हो गया पीछे से पूरा सब. का पीछे नहीं होगा ना. अरे तो तू सीधा पीठ पड़ा है कि उल्टा पड़ा है डिपेंड करता है ना. तो आधा बॉडी आधा आधा बॉडी काला है आधा बॉडी नॉर्मल स्किन रूम क्या होगा भाई. तल दिया किसी ने उसको. ये होगा मतलब का हाल. तल दिया भाई साहब. मुझे एक बार मेरे चाचा ने स्टोरी बताई थी कि चार लोग आई डोंट रिमेंबर द एरिया कौन सा था वो बट वही एमपी में. तो ऐसा हॉरर में गुजरा है क्या? रुक तो सही. अरे रुक ना लगाई. तो चार लोग थे उसमें से किसी एक चार लोग बहुत थोड़े पहुंचे हुए लोग थे. पहुंचे ऐसे बहुत ज़्यादा ही स्थिर दिमाग से बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल थे. पागल थे सारे. तो डिफाइन डिसाइड कर ले. मुझे लगा इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं पागल है. झगड़ा हुआ उसमें उन्होंने एक को मार दिया. ओके बचे तीन. तीनों क्या किया पता है? भाई के कपड़े उतारे, भाई को मस्त तंदूरी की तरह तल दिया.
कैनिबलिज्म खा गए थे भाई बहुत जल्दी ही रूप रंग में बदल गया स्टोरी ये जो शुरुआत मुझे लगा मस्त खाए गए घूमने गए रहेंगे वो खा गए उसको तो मतलब मारा मतलब क्या ऐसे भी हम चार हैं हाँ हमने तुझे मार दिया तुम कैसे कैसे भाई रुको तो सही छोटा मैं तुम तीनों ने मुझे मार झगड़ा हुआ हमारा तो बेसिकली टू गेट आउट ऑफ जेल मतलब जेल में नहीं जाना पड़े और कोई सबूत भी ना मिले हड्डी का क्या किया तोड़ा हड्डी को हाँ टुकड़े करके बिखेर दिया बोला ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो कंकाल बन जाता है बुला देना हम आ जाएंगे पर डीएनए तो मालूम पड़ जाएगा इतना सा भी मिल गया अरे वो टुकड़े राख कर दिया उसका नहीं वो भी जलाई दिया होगा ना साथ में जलाया वैसे भी सारे बोन्स जलते हैं छील छाल के खा गए उसको पूरा बहुत प्रॉपर्ली छीला था भाई उसको ज्यादा नहीं हो गया और पता कैसे चला है क्योंकि वही चार बजते ना वहां पर ये रातों की कहानी है कि रात में सब कुछ होता है ये सब बातें कब बाहर आती हैं यूजुअली जब आदमी या तो किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है या फिर नशे में नशे में इंटॉक्सिकेटेड Intoxicated as hell. वो भी कहाँ देसी ठेके में? मैं बता दिया सबको बता दिया। वो सबको नहीं कोई ऐसे जैसे अभी हम चार बैठे हैं तो हम यहाँ अपना बात कर रहे हैं और हम मैं और बाजू वाले टेबल में एक टेबल छोड़ के उधर बंदा बात कर रहा है वैसा And they heard the story. Eavesdrop तो भाई हम परसों कर रहे थे मैं और करण और खुशी Dude. वो जगह बहुत सही हमने जो ईवड्रॉप किया है तेरा दस्तावेज खत्म होने दे बिल्को करण को बुलाएंगे अपन चारों बैठे अरे चारों बैठे तो हो गया वो जगह का भाई मतलब वो टेबल ऐसा है कि वो उधर भी लोग बैठे थे वो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं कॉलेज के बच्चे सब ऐसे ऐसे लोग आते हैं लेकिन दिमाग से कोई बड़े हुए नहीं है ब्लेंडिंग बर्ड्स कैफे यस ब्लेंडिंग बर्ड्स कैफे बहुत ब्लेंड होता है उधर ज्यादा ब्लेंड हो गए इतने ब्लेंड होते हैं क्या बताऊंगा वो ऐसे बोल रहे मैंने तुम्हें कभी खाया था क्या कभी अरे she was literally describing all foods Thai food फिर तुम थोड़ा ऊपर जाओ ऐसा थोड़ी ये bland होता है ये होता है अरे 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 वो लड़की और मैं करता हूँ एक दूसरे do you know that oh my god वो वहाँ पे कुछ बोल रही है वो तो वो एक दूसरे को मार रहे थे वो वहाँ पे आवाजें निकाल रही है करण और मैं सामने बैठे एंडी इधर हम लोग अलग ही वीडियोस निकाल के हंस रहे अरे You're watching porn right there. उसके बाद बाजू के टेबल पे एक लड़का लड़की आए जस्ट फिर उसकी वो लड़की ने उसकी माँ को कॉल की लड़का बोल रहा है आंटी आप मैं आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजता हूँ आप मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजो वहीं दूसरे को रील्स भेजेंगे फिर कोई एक लड़की आई बोला तू सिर्फ नाम ले उसका उसको जाके ठोकेंगे ये वो बिल भरने गए तो वहां पे उसको वो लड़की को समझा रहे भाई तू ड्राइविंग लाइसेंस ले ले नहीं मैं ये गाड़ी ये रास्ते पे चला लेती हूँ बस वो गियर पे नहीं जमता अरे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं गियर पे नहीं जमता किस दिन आदमी इसकी गाड़ी के सामने जम गया ना एंड फिर क्या हो गया हम मुझे और एंडी को पता था कि लास्ट वाले टेबल पे ना दुनिया भर के लोग बैठे तो वो जैसे उठ के कहना करें ये सर एक टेबल से निकले भाई वहां आप 10 लोग बैठे थे एंड ये लोग प्लान कर रहे थे गोवा जाने का हां गाली दे रहे तुम मादरचोद है तुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब मैं बारहवीं एग्जाम दे के आया हूँ उसको बहन चुत बोल रहा है वो कुछ कर रहा है वो सुट्टा मार रहा है वो मतलब अरे वो जगह पे मजा थी उसके बाद फिर हम जब हम लोग पहले गए फिर हम लोग वॉशरूम ढूंढने के लिए गए उधर वो एक अलग किस्सा है उधर आएंगे वॉशरूम वाला किस्सा तो बहुत ही वो बताएंगे वहाँ पे वो मस्त लोग पत्ते खेल रहे हैं अरे दैट तू सिर्फ जाके ना वो जगह पे सुबह से बैठ जा फुल एंटरटेनमेंट में फिर करण ने मंगाए थे दो ड्रिंक्स एक था ब्लूबेरी पंच एक था उसने लेमनेड एक था हार्पिक दूसरा था निर्मा और मैं मंगाया ब्लैक टी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर उसमें भाई ने पहले वो तो क्या ब्लूबेरी था वो ब्लूबेरी पंच ब्लूबेरी मस्त डाल दिया उसमें मिक्स हो गया वो अपना स्ट्रॉ निकाल के उसमें डाल दिया तो मैं उससे पी रहा था ओहो फिर उसने मंगाया एडीज का ग्रीन एप्पल वो डाल दिया उसने ग्लास में उसके बाद बर्फ खाया क्या उसमें वापस बर्फ डाल दिया मतलब क्या हो रहा है भाई इधर क्या तो अभी क्या हो गया वो ब्लेंडिंग बस भी नहीं ना भाई वो 6 बजे सुबह बाहर था हां यार वो दिमाग का तो एंड वो प्रॉपर बाइकिंग आउटफिट में था सारी लड़कियां छोड़ लड़के भी उसको ऐसे पूरा यहां से यहां तक उसको देख रहे जब तक हम निकल रहे
अरे तो क्या हो गया अभी, हम जस्ट रोहित के घर से निकले थे, वॉशरूम जाके नहीं आए। अब हम ये जाके पूछ के आया वो ब्लेंडिंग मच वाले को कि वॉशरूम में नहीं, यार क्या करे क्या करे। फिर हमने सारे ऑप्शन ढूंढ लिया कि हम झाड़ी चले जाते हैं, सब हमने एक्सप्लोर कर लिया एरिया, चलो दोराब जी जाना। फिर हम जैसे उधर पहुंचे, दिखा मेंस वॉशरूम के यहाँ पे क्लीनिंग इन प्रोसेस, मैं गई, मेरा आंटी कोई नहीं है, ये औरत ना मरवाई किसने। एक सेकंड, बाहर एक बंदा खड़ा है, लेट मी टेल दिस टू फक ऑफ। अरे बाहर एक बंदा खड़ा है फोन पे, अब मैं जैसे देखा वहां पर क्लेम में बुला रही है, यार मेरी किस्मत ही गांडू है। और बीच में है वो डिसेबल्ड पर्सन वाला, वो एक स्टोरी है जो अभी बॉम बताएगा थोड़ी देर में, डिसेबल स्टोरी वाला। मैडम गई अंदर, बोलते आंटी आधा कोई नहीं है। तो मैं ऐसे देखा, मैं बंदे की तरफ देखा, बंदा फोन पे, व्हाई नॉट। मैं गया अंदर, जैसे ही अंदर गया तो खुशी अंदर घुसती है, और जैसे ही मैं अंदर घुसना तो किसी ने फ्लश किया, तो हंस के बेवकूफ हो रहा है, आंटी कोई तो है, फिर ठीक है वो चले गए। उसके बाद हम फक इट फक इट, मैं गया अंदर, मतलब अब तो ये हो रहा है इधर ही, अब तो मैम यहीं पर, आई एम गोइंग टू टेक अ पिस राइट हियर। ठीक है ये अंदर है, कभी भी वो जो औरत उसके पास थी वो चली गई, सब शांत है, अभी तक कोई नहीं था। मैं ही मैं हाथ उसके अंदर हाथ सुखा रही हूँ, तब तक एंडी महाशय बाहर आते हैं। जैसे एंडी बाहर आ रहा है, एक बूढ़ी औरत ने एंट्री ली अंदर, उसके भाई ना भाई बस ऐसे आई ऐसी हो गई उसकी आंखें, क्योंकि एंडी जस्ट वॉशरूम से बाहर निकली और मैं ऐसे बाहर निकला है, और ये कोने में खड़ी है वो ड्रायर से ऐसे बोलना क्या बाहर मत आ, तो नाम मत ले मेरा, उसको पता नहीं चलेगा मेरा जेंडर, तो नाम मत लेना मेरा, ये नहीं बोला इसने, वहां मत हाथ ड्राई कर रही है, दांत निकाल रही थी। अरे मुझे क्या पता ये बाहर आ जाएगा। वो पता है दो सेकंड रुकी, फिर वो मुझे उसने क्रॉस किया, मैं भी ऐसे क्रॉस कर गया, तो मैं सोचा मैं फटाफट बाहर निकलता हूँ, ऐसा जैसे पहले कुछ बोले, घूम के बोलती ऐसे कैसे आप अंदर आ सकते हो, आप तो मैं कंप्लेन करूंगी ये क्या है ये। फिर एक क्लीनर आया अंदर, इतने क्लीनर भी अंदर आ गई, तो मैं सोचा मैं बाहर ही निकलता हूँ, ये और ये खुशी वहीं खड़ी है, अभी ये हाथ ड्राई कर, इसके हाथ ही ड्राई नहीं हो रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हाथ छोड़ तो रुक तो सही मुझे कंप्लेन कर दो शट अप। मैं सोचा मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन वाला यार हाथ धो लेते हैं, तो वो व्हाइल शी इज टेलिंग मी कि मैं अभी कंप्लेन करूं उसी के पास का टैप में, हां हां श्योर मैम श्योर मैम, बस टैप से हाथ धोया, मैं भी ड्राई कर रहा हूं बहुत रहा, ये अभी भी वही है, ये अभी भी वही हाथ ड्राई कर रही है ऐसे खड़े होकर। वो गेट थोड़ा सा खुला था, मैं बोला फक इट मैं जा रहा बाहर, और मैं आराम से बाहर निकल गया। मैं बोला खुशी भाग यार, वो भाई चिल्ला ला देगी तो क्या जूते पड़ेंगे फालतू में। अरे और ऊपर से मेरे वो ना वो बहुत स्लिपरी फ्लोर है दोराब जी का, तो यार मैं भाग भागी तो पक्का मेरे दांत टूटने वाले थे, चलते चलते मार गए। अरे मजा आ गई थी उस दिन एक साथ वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है अभी। अच्छा जब तुम रौनक गए थे तब, हाँ तो हम लोग गए हैं, अभी क्या हुआ कि ये हुआ है, हम लोग चेकिंग करवा रहे थे अपने सामान का, तो एक बंदा आया पूछता है वॉशरूम का है, उसने सिक्योरिटी पूछा, आई ओवर हर्ड अगेन, तो गया, फिर हमारा चेकिंग हो गया, अब यहाँ वॉशरूम जाना है, तो हम गए, तो फिर दरवाजा बंद था, तो अभी कैसा था कि देर वॉज फीमेल वॉशरूम ऑन द लेफ्ट, मेल वॉशरूम ऑन द राइट, एंड बीच में था वो क्या डिसेबल्ड पीपल के लिए, ठीक है, तो स्पेशली एबल्ड पीपल पॉलिटिकली करेक्ट। तो अब क्या हुआ, अभी मैं दरवाजा को पुश किया, फिर मेरे को याद आया नहीं नहीं अभी तो एक बंदा गया है, वो बंदा बाहर ही नहीं आया, मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे रौनक खड़ा है, उसके पीछे हेमंत खड़ा है, उसके पीछे पब्लिक खड़ा है, और वो बाहर ही नहीं आ रहा है बाहर। फिर क्या हुआ, हम सब खड़े लाइन में, विमेंस वॉशरूम तो खुला था उसमें कोई था नहीं, डिसेबल वाला खुला था उसमें कोई था नहीं, और ये भरा हुआ था, अभी हमको पता हमको इसमें जाना है। वहाँ से एक दुकान से एक स्टाफ आया, वो बंदा मस्त चल 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 के आया, और वो घुस गया डिसेबल्ड में। ये क्या हो गया भाई, डिसेबल्ड में घुस गया वो, सोचता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? और वो बंदा अंदर जाके
बाहर जैसे ही आया वैसे ही ये बंदा बाहर आया जिस जो मेंस में घुसा हुआ था, तो मैं अंदर घुसा और मेरे पीछे रौनक खड़ा था, रौनक के पीछे हेमंत खड़ा था, हम लोग सब सोच रहे ये कर सकते थे क्या। फिर हेमंत डिसेंबर में घुसा वो दिखता भी वैसे ही ठीक है, उसको प्रॉब्लम ही का पकड़ा दो भी। फिर मैं मतलब मैं तो आई डिड माय काम जल्दी जल्दी फिर रौनक अंदर गया, फिर हम लोग सोच रहे यार ये ये उस दिन इसको मैंने ये सेम स्टोरी बताई कि जो हुआ था मॉल में, तो ये मुझे क्या बोलता है तू डिसेबल में चला जाता, मतलब भाई मैं डिसेबल था तो ऐसे पैर के एक्शन करके बता रहे ऐसे ऐसे करके चलना स्टार्ट कर देता हूँ मैं डिसेबल्ड हूँ कहाँ से मेंटली क्या करना है भाईजान की अभी भी बच्ची हुई, बच्चा और बच्ची जो भी है, तो बेबी पाउडर जो होता है ना I know. तो मेरा डैड बोलते मेरे बेटे के पास है, तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, मेरे डैड ने अपने वायरी बस इन हिज वर्क, तो बोलते हैं तुम्हारे पास गूगल पे है? हाँ है ना, तो 380 रुपये आया, मैं चेक करता हूँ, पहले मुझे 30 रुपये आ रहा है, फिर 50 रुपये आ रहा है, फिर 100 रुपये आ रहा है, फिर 200 रुपये आ रहा है, वो भी आदमी चुकी है क्या, किस्तों में क्यों भेजा, तो 380 भेजना तो एक बार में भेज दे, कन्फर्मेशन ले रहा था कि पैसे जा रहे हैं कि नहीं, बोला अरे बाबा चलो ठीक है 380। अब उसने फिर सेम ये किया, फिर मेरे डैड ने एक और डिब्बा ले जाकर उसको दिया, अब उसने इस बार 80 रुपये भेजे मुझे, SBI है वो उसके सर्विस काम नहीं करते, उसके द टाइम इट्स डाउन, वो उनके मेंटेनेंस होता है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या मेंटेन कर गॉड डू मेंटेन ही तो नहीं हो रहा है, मेंटेन ही नहीं होकर हो रहा है वो, पता नहीं भगवान जाने। तो कल का भी एक स्टोरी है उसके स्टोरी है, तो अब वो बंदा मुझे अब मेरे डैड फिर मेरे डैड ने पूछा कि बेटा पैसे आ गए, 80 रुपये भेजे उसने मुझे, कल मुझे गूगल पे पे वो मुझे मैसेज करता है गूगल पे पे, बड़ा सा मैसेज है, बड़ा कुछ सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गूगल पे भी इतना चैट मुझे मतलब इतना मुझे भाव मिलेगा गूगल चैट पे कि हाँ, पहले बंदे ने भेजा हाय, नेक्स्ट मैसेज में इतना लंबा मैसेज भेजा उसने, आई हैव सेंट यू टोटल 760 रुपीस, हाय भी उसके साथ में भेज सकता था, मैं बोल रहा हूं ये वही चूतिए लोग हैं, वो भी एक मैसेज बहुत फेमस हुआ था ना बीच में, गया कि नहीं गया, हेलो बॉस हां आई एम प्रेग्नेंट, तो बॉस बोलता है ओके, एंड देन फिर नीचे वो लिख के भेजती है कि मुझे लीव चाहिए, नहीं नहीं आई हैव टू टेक अ लीव, आई नीड टू टॉक टू माय बॉयफ्रेंड एंड एवरीथिंग, तो नीचे होता है Forget that, first you talk to my wife and can't you write all this in one message? My wife had a heart attack. तो हाँ, पहले तो है, फिर बोलता है, I have sent you total 760 rupees. बंद कर ले भाई. ऊपर अगर मैं हिसाब भी देखूँ ना तो मुझे कब 760 rupees है, I have no idea. अब उसने 760 रुपीस लिखे और सेकंड पूरा उसने लिस्ट दिया ब्रेकडाउन में कैसा पैसे डेट 50 रुपीस 23rd Feb 30 रुपीस 23rd Feb 300 रुपीस 24th Feb 300 रुपीस 25th Feb 80 रुपीस 3 मार्च पे लिखता है प्लीज चेक योर बैंक स्टेटमेंट एंड कंफर्म मी इफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप देन सेंड मी नंबर आई विल सेंड यू स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन की स्पेलिंग उसने ट्रांजेक्शन लिखा है एंड इफ यू डू नॉट रिसीव टोटल 760 रुपीस देन कंफर्म मी प्लीज आई विल पे मनी टू योर फादर ये पहले नहीं कर सकता भाई
पे मनी टू माय फादर, यू कुड हैव गिवन हिम कैश. तुमको पता तुम्हारी नई बच्ची है. अरे चेक दे दो. अरे छोड़ना, तो नई 380 कौन चेक. तुम्हारी नई बच्ची है, अभी वो कंटिन्यूसली आपको उसको लगेगा वो पाउडर, तो तुम स्टॉक मंगाओ. एक एक डब्बा ले जाने का क्या लॉजिक है. कल मेरे डैड को मैं वही बोला, वो एक तो 11:30 आते हैं घर रात में, कॉल किया बोले ये आदमी मुझे तल में मैसेज लिख के भेजा है, क्या करना है. बोले अब क्या करना है, उनको क्या बताऊँ मैं उनको. मेरे डैड इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं बेटा इसमें. क्या बोले तो उनको बताइए ना कि 1000 रुपये एक बार में 380 का एक डब्बा आ रहा है, 1000 में 3 आ जाएंगे इधर उधर और जोड़ के. तो ऐसा कर लो, एक बार में 3 डब्बे ले लो, बहुत दिन के लिए फ्री हो जाओगे. तुम्हारी बच्ची ज़्यादा खा रही तो तुम्हारी गलती है, पैदा क्यों किया तुमने. चलो लॉजिक लगाओ ना, और तुम सीधे 2000 का एक नोट दो कि ये लीजिए, इसका जितना भी आएगा उतना ला के दे दीजिए, इतना ट्रांसपोर्टेशन. इतनी राम कहानी करना है गूगल पे में, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मैं तुमको 760 रुपीज़ लिख के. इतना टाइम है उस बंदे के पास जो लिख के भेज रहा है कि मैंने 50 रुपये आपको 23 फरवरी को भेजा है, और आज सुबह से उसने 4 कॉल किए. पहले इनिशियली तूने बोला ना तो मेरे को लगा कि वो नोट के हिसाब से भेज रहा है, 50 रुपया 10 रुपया. अरे और उसके भी मुझे मैसेज क्या बोलते, वेन एवर यू आर फ्री कॉल मी. क्यों भाई, ये डिस्कस करने की तुम्हारे बच्चे के बेबी पाउडर में जो भी पैसा लगा तुमने वो मुझे भेजा कि नहीं, वो मैं चेक करूँ. मतलब अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करो. और ये एक्चुअली कर भी रहा. तो भाई वो मेरे डैड ने बोला ना, ये अगर मुझे बोलता मैं तू कौन है, जा नहीं मिले चल वापस दे. अरे यार मतलब लॉजिक फोन ही नहीं उठाया उसका सुबह से. फिर मैं डैड को बोलता कि डैड क्या चल रहा है, मुझे सुबह से 4-5 कॉल कर चुका है बंदा, वहां से रहे बोला भैंस क्या नंबर दे रहे थे मेरा, एक तो तुम इधर उधर लोगों को सर कॉल आते हैं थोड़ा तो इज्जत ही. कल मैं और ये खड़े थे वो पान वाले के वहाँ पे, तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो मुझे लगा वाइब्रेट हुआ यार फोन, तो मैंने फोन निकाला, देखा 2 मिस कॉल थे किसी फोन, इसका फोन भी मेरे जेब में था बिकॉज उसका जेब पता नहीं भरा हुआ था. तो मैंने फोन निकाला, यार 2 मिस कॉल आंटी, तेरे को 2 मिस कॉल है. तो मैंने देखा अरे मेरे को ऑडियो कॉल किसका, इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल कर रहा है मुझे ओंकार. बोला भाई ज्यादा ही इमरजेंसी लग रही है. तो फिर उसको कॉल किया मैंने, बोले क्या हुआ. मैं कुछ नहीं, वो कर रहे हो वो लोग काम कर रहे हो, तुमको 2000 रुपये देना है, आपके पास कैश है. बोला कैश तो नहीं, तो वो ATM है क्या, तो आप निकाल के दे दो, मैं आपको भेज देता हूँ आपको निकाल के. ऐसा कर लो. तो फिर क्या हुआ, बोले कि मैं बोला मैं आ रहा हूँ, देने थोड़ा काम करता उसको बोलता हूँ आप, तू आप भेज दो मैं निकाल के ले आता हूँ आते आते. तो मैंने कॉल किया, तो कॉल कर रहा हूँ, वो साइकिल पर जा रहा है बस, कॉल कर रहा हूँ, अरे आप मुझे भेज दो मैं निकाल के ले आता हूँ. ओके तो गली के बाहर है, मैं यही खड़ा हूँ, वो गली के बाहर है, हम दोनों इसे यहाँ पे खड़ा, वो जस्ट गली के बाहर है, तो दिख गए. अरे यार आप दिख गए. तुमने कहा ठीक है तो आए, तो हम खड़े ठीक है अभी साइकिल वो रोड के साइड में खड़े, साइकिल पे वो है मैं और ये खड़े हैं. अभी उन्होंने गूगल पे पे लिखा ऐसे 2000 रुपये और सेंड किया, नहीं आया. फिर से किया, फिर नहीं आया, बोलते आपका कोड खोलो. तो उन्होंने अपना बैंक वाला ऐप खोला और बैंक में जैसे स्कैन हो रहा है, स्कैन ही नहीं हो रहा है, मेरे में पैसा आ नहीं रहा है, उनका मोबाइल में स्कैन नहीं हो रहा है. ठीक है हमको लगा ये क्या दिक्कत है, मतलब हम लोगों को लगा कि उनके मोबाइल में दिक्कत है. फिर क्या हुआ, मैं देखा यार ऐसा कैसे हो सकता है. फिर मैंने बोला एक काम करो, आप सारे के सारे ऐप बंद करो, फिर वापस स्कैन करो. तो इस बार गूगल पे से उन्होंने स्कैन किया, तो बोलता है कि नहीं नहीं वो जो रिसीवर्स बैंक है ना, मतलब मेरा बैंक SBI. उसका सर्वर डाउन है. मैं बोला भाई अभी तो ट्रांजैक्शन करके लिटरली आधा घंटा पहले मैं ट्रांजैक्शन करके आया हूँ, ठीक है, और बंद हो गया सर्वर. सोचो अरे दैट इज SBI. अभी उस दिन मम्मी का योनो का गड़बड़ हो गया था, मैं गई, मुझे बोली ठीक है फॉर्म भरो आओ. मैं सेकेंड डे गई, खुद छुट्टी पे चली गई, मुझे बोला मंडे को आएगी वो, मंडे को जाएगी, इसलिए नहीं जिनका हुआ है ना उनको लेके आओ. खंडू पहले दिन पे बोलती हूँ तो मैं कर देती ना, नहीं इनको तो पड़ी ही नहीं है लोगों की. SBI सिर्फ इधर उधर घुमाएगा,
तुम्हें गलती से अगर एक विजिट में काम हो गया तुम्हारा, तुम बहुत लकी हो। होता है ना, आपका रिश्तेदार काम कर रहा हूँ ये भी है मेरा हुआ है, लेकिन एक विजिट पे काम हुआ था यूनो वाला मेरा डीमैट और वो सब हुआ। एक्चुअली क्या उस टाइम पे जब वो तो व्हेनेवर यू आर डूइंग यूनो एज वेल तो वो भी वैसा है कि अगेन डिपेंड्स ऑन द सर्वर इफ इट्स वर्किंग देन यू कैन रजिस्टर ऑन इट। मेरे बगल में अंकल खड़े हैं तो दिया उन्होंने तो सर आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है तो अंकल बोलते मेरा कहाँ है सर्वर तुम्हारा सर्वर तो हाँ मतलब हमारा ही सर्वर चल रहा है तो मैं और मेरे डैड खड़े मेरे डैड को मेरे डैड कहते हैं ये देखो क्या है ये आदमी तो मेरे डैड बोलते देख 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 तेरा चाल चालू हो तेरा। मेरे डैड को जिज्ञासा होती रहती फटाफट ऐसा सरकारी काम ही वेरी ऐसे वकील आदमी मैंने अच्छा हेलो तो उसने बस चालू किया वाला हाँ सर आपका हो रहा है रजिस्टर कर लो। वो अंकल ऐसे ऐसे देख रहे अंकल मस्त चश्मा नीचे तू कौन है बे ये तो चालू है मेरा क्यों नहीं चालू है तो वो मैं जब रजिस्टर कर रहा हूँ अंकल ऐसे खड़े अंकल फिर उसको देख रहा हूँ वो खूब सारे भीड़ है वहां पर तीन चार लोग और आके रजिस्टर कर रहे हैं ऐसे पूरा झुंड लगा रहता है। वो अंकल ऐसे खड़े हैं भैया एक बार और चेक करिए तो अंकल ऐसे फिर लेना ऐसे फिर एक बार उसने क्लिक किया तो फिर नहीं हो रहा है तो बोला सर नहीं काम कर रहा है अभी ला फोन दो घूम के घर चला गया घूम के घर चला गया मेरा भाई रजिस्टर भी हो इट्स लाइक ऑल अबाउट योर लक नाउ। अरे तो है उस दिन मेरा बोलते कह रहे तेरा स्टेटमेंट भेज क्या हो गया लगा रहे भेजना ठीक है तो मैं सोच यार मतलब अभी क्या योनो से निकाल सकते स्टेटमेंट इट गिव्स यू अ पीडीएफ मेरी बहन मुझे वाला मिल जाएगा मैं वहाँ से करूँगा ठीक है तो मैं योनो पे कर रहा हूँ मेरा योनो और मेरा तीन साल चार साल से यही लफड़ा है मेरा लॉग्ड इन अकाउंट अपने आप साइन आउट हुआ ठीक है जो पासवर्ड है वही पासवर्ड डाल रहा हूँ फिर भी लॉग इन नहीं हो रहा है क्या चल रहा है मैं क्या करूँ मैं किधर जाऊँ फिर बस तो गूगल पे मैंने पूछ ही था मैं यही पड़ता था फिर जाके मैंने गूगल पे लिया फिर उस पर भी अलग नाटक हुआ फिर सो व्हेन यो तो मैंने उस दिन यूनो छोड़ दिया उसके बाद मैं यूज ही नहीं किया ठीक है तो मैंने एक सर्टेन पर्सन इन माय फैमिली वर्क्स एट एसबीआई वी नो आई कॉल्ड यहाँ से वीडियो कॉल चल रहा था मैं बोला कि मैं छोड़ ये उसी दिन की बात है जिस दिन मुझसे मेरे मामा मेरे स्टेटमेंट मांग रहे थे तो मैंने बोला कि यार मैं छोड़ रहा हूँ एसबीआई में बन नहीं नहीं चाहिए लाइफ में क्या है ये नाटक मैंने क्यों क्या हुआ मैं अरे यार वो यूनो यार क्या है ये तो बोलती यार SBI भी चोरी है। He's working there. And she works there, by the way. ये भी सही है। तुम्हें तो ऑफिस जाना है। अरे हमें कुछ काम नहीं है तीनों को। एक बार मेरे चाचा ना अंधेरी रात में बगीचे से जा रहे थे। टाइम पर हॉरर स्टोरी बीच में। नींद आ रही मेरे को। रोक तो सुन रहे थे। तो बगीचे से जा रहे थे। चांदनी रात थी दिया थे अरे वो दिखा कुछ वो जैसे बोला अंधेरी रात में मैं वही बोल रहा थी दिया थे हाथ में वो जा रहे तो वैसे रसलिंग सुनाई दिया अब अंदर अंदर हुआ क्या है आगे तो एस एस सुने सी टेक्स टू स्टेप्स फिर सुनाई दी तो ही हियर कि ऐसे समवन इज गोइंग बैक टू स्टेप्स विद हिम जैसे तू आगे चल रहा है ना दो स्टेप्स कोई कोई पीछे गया ऐसे दो स्टेप तू चला ना आगे तो यू विल फील कि यहां सामने से दो स्टेप पीछे कोई गया ऐसा ही वाज फीलिंग अच्छा तो ये तो टेनेट हो गया बहुत खतरनाक टेनेट था भाई टेनेट फील कर ये वो लोग भी हैं लेकिन कोई नहीं ये ठीक है फिर जब वो आगे चलने लगे तो आफ्टर व्हाइल दिस स्टॉप्ड हैपनिंग एंड देन ही फेल्ट कि जैसे अपन स्कूल में खड़े होते थे ना एक के पीछे समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम एज सून एज व्हाइल ही इज वॉकिंग समवन इज वॉकिंग विद हिम close ऐसा pass तो गया फिर वो घर चले गए अरे अरे ऐसा है क्योंकि फट गई थी तो उसके लिए obviously ऐसे छूना मत assault case उनको actually बाद में भी बहुत उनकी भी उल्टियाँ हुई हैं lot of things happened ठीक है भाई these things happen खून की उल्टियाँ तो दारू वारू पीने से नहीं करते नहीं he doesn't drink not one of those भाई वो एक बार क्या बोलते हैं अलहड़ उमर मतलब
टीनेज डेज में गए और किसी ने बोल दिया कि अरे तुम्हारा तो ये दाढ़ी वाड़ी हल्का हल्का आ गया था, बना दे तो पेड़ के बीच उसने शेव कर दिया उनका, घर आए पिताजी जूते जूते मारे तो शेव करके आ गया। एक मिनट, शेव करके आ गए तो क्या होगा? रेजिन फॉर एग्जांपल, अभी आप सोचो कि आप 15-16 साल के हो, हल्का हल्का सबल आता है ना, यू डोंट शेव डायरेक्टली, अप्रोवेट तो बहुत है 18 और समथिंग, क्योंकि वो कैसा हो जाता है ना, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, और कैसा ये जो हमारे फादर और ये लोग जब करते थे शेव, तो वो लोग उससे शेव करते थे, वो जो रेजर आता था, तो उससे स्किन जो होती थी ना वो बहुत हार्ड जाती है उन लोगों की। हमारे टाइम पे तो अभी ये जिलेट और ये सब आ गया है, तो ऑफ कोर्स आफ्टर शेव वगैरह इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टू, सो वो जो है ना, सो मतलब पता होगा आपको उस तरह है नहीं, लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट हैविंग द बियर्ड ऐसे 14-15 साल की उम्र में या 13, लोगों को तो पता नहीं पूरा भर जाता था, देखा है मैंने खुद जो भी है, तो आने लगता है ना, तब शेव नहीं करना चाहिए ऐसा, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, देयर इज अ हायर चांस ऑफ कटिंग, आई मीन स्क्रैच स्क्रैच आना बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन नॉट द राइट टाइम, कुछ टाइम बाद में, अब मेरे को तो पापा बोलते हैं कि कितने साल का, 18 साल का नहीं करना, मतलब क्यों मतलब अभी कितने साल का, 20 साल का, नहीं करना, मतलब कहते रहने दो मैं कर रहा हूँ, तो आई यूज्ड टू ओनली ट्रिम, I never shaved. Same here. फिर एक दिन, फिर मैंने उस दिन बोला आप तो 21 साल का हो गए जाओ, लीगल ड्रिंकिंग एज, मैं शेव करा रहा हूँ। लीगल ड्रिंकिंग एज तो क्या स्पिरिट डबल डबल आ रहा है साले। हाँ। इसलिए उनको फिर मेरे दादाजी ने बहुत मारा था, भाई तुम तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम दाढ़ी बनवा के आ गए, तुम्हारा मतलब क्या चल रहा है? जिनको बहुत ज्यादा आते हैं उनको चलो ठीक है, लेकिन वो दंगे डालने वाले लोग थे, उनके पास वो भाई राइफल वाइफल रखते थे, डकैत उधर इतना नहीं है, यूपी में यू फाइंड दिस, ये एमपी वगैरह में इतना कुछ नहीं है, तो वो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें गेहूं लगा हुआ है तो बोरी उतरवा लेते थे, अपनी तो है दिग्गज He has to wake up at 7. Then he, 7:30. The first episode of our podcast. What do we call it? Oh, nice question. We have a variety of discussions with Dad and Tay. ठीक है, वो हम बाद में सोचते हैं when we place it out. But this has been fun. We'll see you next week. Ta-ta, bye bye. Bye, listeners. Bye, people. लेजी और ये इंसान ने अभी अभी हमें ना वो क्या रामेन नूडल खिलाया, कौन सा ब्रांड? टॉप ब्रांड, प्लीज आई एडवाइज यू, प्लीज डोंट हैव इट, उससे अच्छा यू ऑल कैन हैव मैगी, पेट खराब हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ, एकदम ही बकवास था भाई ये मैगी, जैसे तूने बोला स्मेल एंड टेस्ट सेम ही तो है, नहीं बट मैगी का टेस्ट थोड़ा अलग है, इसका तो ना फ्लैट था टेस्ट, so it's different, you can say it's not bad. You've been talking about ramen being flat for some time now, what the fuck does that mean? Kam masale bhai, uska noodle bhi to dekhega na, maggi ka noodle ki baat kar raha hu, masale ki baat nahi, iska maggi bhi thoda flat, ek aata hai ramen ka, iska maggi top, I know that exact ramen jo hota hai na, proper ramen, nahi nahi nahi, top ramen ka hi aur ek aata hai jisme the noodle is proper flat, समझ गई नहीं, क्योंकि मैंने कप नूडल्स खाए हाँ, तो उसमें ऐसे ही था।
तुम्हारी सांस भी रिकॉर्ड हो रही है एकदम. चल ठीक है, चलो फिर रात में. बाय बाय.